राम राज साकार होठे, राम राज साकार होठे, राम राज साकार होठे, कलयुग सतयुग बन जाए, राम राज साकार हो, कलयुग सतयुग बन जाए। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, स्वर्ग धरा पर आ जाए, राम राज साकार होठे, राम राज साकार विकसित हो विश्वास सरों में, श्रद्धा सुमनों की माला, विकसित हो विश्वास सरों में, श्रद्धा सुमनों की माला, दैहिक दैविक भवतापों से, दैहिक दैविक भवतापों से, सब मानव मुक्ति पाए, राम राज साकार हो, राम राज साकार हो। चल उठे भाईचारा, गांव गांव की गली गली में मचल उठे भाईचारा, नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा, उमड़ घुमड़ बादल शांति का, नभ मंडल में छा जाए, राम राज साकार हो, राम राज साकार हो।
का पार विषमता की खाई अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई करुणा की मुक्ता मणियों से करुणा की हृदय सिंधु उफ ना जाए राम राज साकार हो राम राज साकार हो चल उठे पुरवाई सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई चार पदार कोकिल कंठों से फूटे श्रुति कोकिल कंठों से फूटे भजनों की स्वर धाराएं राम राज साकार हो राम राज साकार हो कल सतयुग बन जाए ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु स्वर्ग धरा पर आ जाए राम राज हो राम राज हो राम राज विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिल भयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं ओम।
स्वतो दत्तासो अपरीता स उद्भिदः देवानो जथा सदा मिद्रिधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमतिर्विजूयतां देवानागुरातिरभिनो निवर्ततां देवानागुसख्यमुपसेदिमा वय देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वया निविदाहुमहे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमश्रिधम् अर्चमणं वरुणगुं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगा मयस्करत् तन्नो वातो मयो भुवातु तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः तग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना श्रीरुतन्धृष्ट्या ध्रुवम् तमीशानं जगतस्तस्तुखस्पतिं धियं जिन्वमवसे भूमहे वयम् ऊखानो जथा वेदसामसद्विधे रक्षिता पायुरदग्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृथश्रवाः स्वस्ति नः भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृथदश्वा मरुतः वृष्णिमातरः शुभञ्चावानो विदधे कुजग्मयः अग्निजिह्वामनवः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्निह भद्रकर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जजग्राः। बोलिए परम पूजनीय परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। सांचे दरबार की जय। आइए एक बार पुनः हम आपकी और हम सब की ओर से गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या महामनस्विनी कथाव्यास साध्वी सुश्री आस्था भारती जी का हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सज्जनों, साइकोलॉजी में एक इफेक्ट आता है जिसका नाम है फैन इफेक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस इफेक्ट हम जिस विषय पर जितनी ज़्यादा जानकारी जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते जाते हैं उतना ही उस विषय पर हमारी क्लैरिटी कम होती चली जाती है, यानी उसे समझना उतना ही मुश्किल हो जाता है। हम उसमें उलझ से जाते हैं, फंस से जाते हैं। और ये बात सिर्फ साधारण लोगों के जीवन में ही अप्लाई नहीं होती, बल्कि बड़े से बड़े साइंटिस्ट बड़े से बड़े फिलोसोफर्स के जीवन में भी इसे अप्लाई होते हुए देखा गया है। कहते हैं शोपेनहावर, जो कि एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए हैं, एक दिन उनके मन के भीतर एक जिज्ञासा उठी कि आखिर इस पूरी की पूरी सृष्टि को चलाने वाली वो सत्ता कौन सी है, और मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और वापस कहां चला जाऊंगा। दार्शनिक मन ने दार्शनिक सवाल दागे तो शोपेनहावर खोज में निकल पड़े। बहुत अध्ययन किया, शास्त्र ग्रंथों को पढ़ा, उपनिषदों के एक एक पन्ने को टटोल कर रख लिया, किंतु संतुष्टि कहीं नहीं हुई, समाधान नहीं मिला, प्रश्न ज्यों के त्यों बने रहे। एक दिन अपने इन्हीं प्रश्नों की उहापोह में एक बाग में टहल रहे थे, तभी पीछे से एक चौकीदार ने आवाज लगाई, अरे कौन है वहां। शोपेनहावर कहते हैं कि उस दिन पहली बार उस चौकीदार के सामने मैंने अपनी हार को स्वीकार किया था और उस व्यक्ति से मैंने कहा था कि अरे भाई, यही तो मैं आज तक समझ नहीं पाया हूं कि आखिर मैं हूं कौन, मैं कहां से आया हूं और कहां वापस चला जाऊंगा। दिन रात पढ़ने के बाद भी मैं मानो इन शब्दों के जंजाल में फंस चुका हूं, गुत्थी को सुलझाने निकला था और अधिक उलझ बैठा हूं। सजनों, सिर्फ शोपेनहावर ही नहीं, द ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टाइन, उनके मुख से भी एक बार यही निकला, द मोर आई रेड द मोर पजल्ड आई वॉज बाय द ऑर्डर ऑफ दिस यूनिवर्स एंड द डिसऑर्डर ऑफ दिस ह्यूमन माइंड। द
द मोर आई रेड, जितना पढ़ता गया उतना ही उलझता चला गया, क्या करूं उतना ही फंसता चला गया। भाइयों और बहनों, ये जो साइकोलॉजी का, मॉडर्न साइकोलॉजी का ये जो फैन इफेक्ट है ना, इसे ही हमारे संतों महापुरुषों ने युगों युगों पहले एक और सिर्फ एक पंक्ति में बांध कर रख दिया था। और उन्होंने कहा था, शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, कि शब्दों का जंजाल महारण्यम, ये एक घने वन की तरह है, एक जंगल की तरह है, जो हमारे चित्त को भ्रमित कर देता है, उलझा देता है, फंसा देता है, किसी को प्रश्नों में, किसी को संशयों में, किसी को लॉजिक्स काउंटर लॉजिक्स तर्कों और वितर्कों में, और इंसान कभी भी अपने मुकाम तक पहुंच ही नहीं पाता। इसीलिए कहते हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इसी विषय को, इसी तथ्य को अपने शिष्यों को समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर लीला को रचा था। कहते हैं एक बार आदि गुरु शंकराचार्य जी वे अपने शिष्यों के साथ गंगा किनारे बैठे थे और वेदों पर उपदेश दे रहे थे। तभी वहां पर एक ब्राह्मण देव आए और आकर ब्रह्म सूत्र पर उनसे एक प्रश्न कर दिया। आदि गुरु ने सुना, बड़ी ही सहजता, बड़ी ही सरलता से उन्होंने उत्तर दे दिया। जो उत्तर मिला, ब्राह्मण देव ने उसी में से एक तथ्य निकाला और एक और तर्क रख दिया। आदि गुरु ने उसे भी काट दिया। जो काट मिली उस पर फिर तथ्य रखा गया और उस तथ्य पर तर्क और तर्क पर तथ्य, और करते 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 ये शास्त्रार्थ चलता चला गया। अविरल वेग से कितने ही दिन व्यतीत हो गए, ये शास्त्रार्थ थमने का नाम ही नहीं ले रहा था, और करते करते पूरे 8 दिन व्यतीत हो गए। अब वहां पर जो शिष्य बैठे थे वे सब हैरान हैं। उन्हीं में से एक शिष्य जिसका नाम था पद्मपाद, वो उठ खड़ा हुआ और आखिरकार उसने अपने हाथ जोड़े और गुरुदेव से कहने लगा, गुरुदेव बस कीजिए, बस अब अपनी लीला को समेट लीजिए, हम समझ गए हैं कि आपने ये पूरी की पूरी लीला हमें ही समझाने के लिए रची है। हम आपका एक एक तर्क सुनते हैं, वो हमें उत्तम लगता है, उस पर महातर्क वो अति उत्तम लगता है, फिर उस पर आप एक और तथ्य देते हैं वो उससे भी बढ़कर लगता है। हम समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर इस शास्त्रार्थ का अंत कहाँ होगा, हमें नहीं समझ आ रहा, इन शब्दों में हम उलझते चले जा रहे हैं। पर हाँ, हम आज एक बात बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि आपने इन सारे शब्दों से ऊपर उठाकर हमें जो एक सीधा सरल मार्ग प्रदान किया है, जो हमें आपने ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया है, वही सबसे उत्तम मार्ग है, ईश्वर को पाने का वही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। हम समझ चुके हैं गुरुदेव, बस अब अपनी लीला को समेट लीजिए। जैसे ही शिष्यों को ये बात समझ आई, जानते हैं वे ब्राह्मण देव जो अभी तक तर्क रख रहे थे, प्रश्न रख रहे थे, वे स्वयं महर्षि व्यास जी के रूप में प्रकट हुए, उन शिष्यों को आशीर्वाद दिया और वहां से प्रस्थान कर गए। भाइयों और बहनों, ये जो स्वयं महर्षि व्यास जी और आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अपने शिष्यों को समझाने के लिए जो लीला रची थी, ये तथ्य केवल उसी समय के लिए नहीं था, ये सिर्फ उन्हीं शिष्यों के लिए भी नहीं था, बल्कि ये आज इस समय के लिए भी उतना ही प्रग्मैटिक है, उतना ही प्रैक्टिकल है, उतना ही प्रासंगिक है। आज भी तो हम समाज में देखें, ईश्वर को लेकर कितनी ही डिबेट्स, कितनी ही कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं, शास्त्र ग्रंथों पर कितने लॉजिक्स काउंटर लॉजिक्स रखे जा रहे हैं, तर्क वितर्क हो रहे हैं, परंतु क्या लगता है, क्या इन सब से समाज को कोई लाभ हो रहा है? कोई लाभ नहीं। समाज की हालत तो ज्यों की त्यों बनी हुई है। क्यों? क्योंकि आज एक बार फिर से समाज को केवल कोरे शब्दों की आवश्यकता नहीं है, समाज को आवश्यकता है एक पूर्ण संत की, एक पूर्ण महापुरुष की, जो हमें इन शब्दों के जंजाल से बाहर निकालकर उस सीधी पगडंडी पर बढ़ा दे जो सीधा ईश्वर की ओर लेकर जाती हो। आज समाज को आवश्यकता है एक ऐसे पूर्ण सतगुरु की, जो हमें ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर हमारे ही घट के भीतर उस ईश्वर का दर्शन करा सकें, उसके प्रकाश से हमें जोड़ सकें, एक ऐसे सतगुरु की आवश्यकता है। और आज हमें कहते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी इस सदी के ऐसे ही पूर्ण सद्गुरु हैं,
श्री महाराज जी ने अपने लाखों लाखों शिष्यों को वही मार्ग प्रदान किया है, वही ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर उनको उन्हीं के घट के भीतर ईश्वर का दर्शन करा दिया है, और अब वे अपने जीवन में उस आनंद को, उस सुख को, उस खुशहाली को महसूस कर रहे हैं और अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए आज आपसे भी कहना चाहते हैं, आप क्यों बैठे हैं, बढ़िए, अपने कदमों को आगे बढ़ाइए और खोज कीजिए कैसे पूर्ण सद्गुरु की। हम नहीं कहते आपको कि आप दिव्य ज्योति में ही आए, हम नहीं कहते कि आप गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों में ही नतमस्तक हो, नहीं, हम तो आपको केवल एक कसौटी देने के लिए आए हैं कि एक पूर्ण सद्गुरु वो जो ईश्वर का दर्शन करा दे तत्क्षण, उसी समय, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। खोज कीजिए और यदि विश्व भर में कहीं मिल जाए तो वहीं पर नतमस्तक हो जाइएगा, रुक जाइएगा, ठहर जाइएगा, किंतु यदि कहीं ना मिले तो हम मुक्त कंठ से कहते हैं कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वार आप सभी के लिए सदा सदा के लिए खुले हैं। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने अपने लाखों लाखों शिष्यों को ईश्वर का दर्शन कराया है और आपको भी कराने का सामर्थ्य रखते हैं, उनके जीवन में उस आनंद को प्रदान किया है और आपके जीवन में भी करने का सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए बढ़ चलिए, अपने कदमों को आगे बढ़ाइए, उस ज्ञान को प्राप्त कर लीजिए और अपने जीवन को सार्थक कर लीजिए, आनंद से भर लीजिए। आइए भक्तजनों, ऐसी ही प्रार्थना के साथ प्रभु के श्री चरणों में, ऐसी ही विनय के साथ कि प्रभु हमारे जीवन में भी ऐसे पूर्ण सद्गुरु का पदार्पण हो सके, हम इस संदेश को समझ सकें और हम भी आपके दर्शनों के मार्ग पर आगे बढ़ सकें। आइए आज के कथा प्रसंग का शुभारंभ करते हैं, किंतु उससे पूर्व आपको बताना चाहते हैं कि इस कथा के मुख्य यजमान एवं दैनिक यजमान वे सभी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ चुके हैं, ऑनलाइन पूजन आरंभ भी हो चुका है। हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपके ही सहयोग से ये विशाल कथा का आयोजन संभव हो पाया है और आज की कथा के जो मुख्य यजमान हैं वे इस प्रकार हैं। श्री ईश्वर गोयल जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती मंजू गोयल जी पश्चिम विहार दिल्ली से, श्री पूरन मल सोनी जी और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती सुशीला देवी जी नवदीप ज्वेलर्स रेवाड़ी हरियाणा से, श्री राकेश गोयल जी और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती सोनाली गोयल जी सेक्टर 9 रोहिणी दिल्ली से, श्री मोहन सिंह जी और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती सीमा सिंह जी विकासपुरी दिल्ली से, श्री सतीश टोंगर जी और उनकी धर्म पत्नी मुकेश टोंगर जी भिवाड़ी राजस्थान से, श्रीमती प्रवीण जी गणेश नगर दिल्ली से, श्री महेंद्र पाल गौतम जी और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती सरोज गौतम जी गुरुग्राम हरियाणा से, श्री आनंद कुमार जी और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती अंजना जी हिसार हरियाणा से, श्री दिनेश गंगवार जी और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती अमनजोत कौर जी गुरुग्राम हरियाणा से, मारवाहा परिवार मायापुरी दिल्ली से, श्री दिनेश वशिष्ठ जी और उनकी धर्म पत्नी रजनीगंधा वशिष्ठ जी गुरुग्राम हरियाणा से, श्री अक्षत चौहान जी और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती नेहा चौहान जी ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से, स्वर्गीय श्री चंद्रपाल शहरावत जी और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती सुनीता शहरावत जी गुरुग्राम हरियाणा से, श्री मामचंद मधोलिया जी और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती बलवंत कौर जी गुरुग्राम हरियाणा से। और आज की कथा के दैनिक यजमान श्री बलदेव सैनी जी और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती माया रानी जी गुरुग्राम हरियाणा से, श्री राजेश मल्होत्रा जी और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती अंजू मल्होत्रा जी जनकपुरी दिल्ली से, श्रीमती सविता यादव जी समयपुर बादली दिल्ली से, सूद परिवार जनकपुरी दिल्ली से, श्री राम अवतार यादव जी और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती संतोष यादव जी गुरुग्राम हरियाणा से, श्री राजदेव सिंह जी और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती दुर्गावती देवी जी कोटला दिल्ली से, श्री राम निवास शर्मा जी और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती सूरजमुखी देवी जी विष्णु गार्डन दिल्ली से। और आइए अब समय हो गया है प्रभु की पावन पुनीत कथा का शुभारंभ करने का, और उसके लिए हम आग्रह करते हैं मंच पर उपस्थित परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या महामनस्विनी कथाव्यास साध्वी सुश्री आस्था भारती जी से कि वे आज के कथा प्रसंग का शुभारंभ करें। तो बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की जय, सांचे दरबार की जय।
संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुक्षम नस्तम नमामि हरिम परम नमामि हरिम परम नमामि हरिम परम। जिनके नाम संकीर्तन से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है, जिनका स्मरण करने से मानव के मन की मैल धुल जाती है, उसका हृदय पवित्र व निश्चल हो जाता है। आइए उन्हीं प्रभु का स्मरण करते हैं, उन्हीं का पावन जय घोष बुलंद स्वर में अर्पित करते हैं। बोलिए जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की जय। सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय। उमापति महादेव की जय। गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय। साचे दरबार की जय। प्रेम से कह दीजिए जय जय श्री राधे। 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 आदरणीय कृष्ण अनुरागियों, भगवान के प्यारे प्यारे भक्तों, जो इस वर्चुअल कथा का आनंद ले रहे हैं, आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? कुशल तो हैं? कहते हैं कि एक बार कबीर दास जी एक मार्ग से गुजर रहे थे। एक सज्जन ने उन्हें देखा तो शिष्टाचार निभाते हुए उसने कबीर दास जी से भी यही पूछा। कहने लगे, कबीर जी बताइए, कुशल से तो हैं? कबीर जी ने यह शब्द सुनना था कि वो तो मानो आक्रोश में आ गए। कहने लगे, ये व्यर्थ की बातें मुझसे मत पूछो। व्यक्ति को लगता है कबीर जी किसी संकट में हैं। कहने लगे, क्या आपके जीवन में कोई संकट है? कबीर दास जी ने कहा, हाँ बहुत बड़ा संकट है, और जब तक वो संकट टल नहीं जाता तब तक जीवन में कुशलता कहाँ से आएगी। कुशल कुशल ही के करत जग में बचा न कोए, माया मुई न मन मरा कुशल कहाँ ते होए। कबीर जी कहते हैं, सबसे बड़ा संकट जीवन में यही है कि हम मन के अधीन हैं, मन के गुलाम हैं, और इस माया के अंदर जकड़े हुए हैं। जब तक इस माया में जकड़े रहेंगे, मायापति के चरणों तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक इस मन के गुलाम बने रहेंगे, उस आत्मा से नहीं जुड़ेंगे, तब तक जीवन में कुशलता कहां से आएगी। 100% सत्य है, एकदम खरी बात कबीर दास जी ने कही। जब तक एक मानव अपने मन के अधीन है, अपने विकारों के अधीन है, अपने विषय वासनाओं के अधीन है, बताइए क्या वो शांति को प्राप्त कर सकता है? अगर कर सकता होता तो आज का जो समाज है वह शांतमय होता। लेकिन मन के अधीन हुआ मानव, अपने विकारों के पीछे दौड़ता हुआ मानव, आज उसके जीवन में ऐसी अशांति है कि उसके कारण से सारा समाज भी अशांत है। शांति की स्थापना के लिए सबसे पहले हमें मानव के हृदय में शांति को स्थापित करना होगा, उसके मन को शांत करना होगा, उसके आत्मा को जागृत कर उसके भीतर सच्चिदानंद आनंद कंद भगवान को प्रकट करना होगा। जब वह शांति से जुड़ेगा, जब वह आनंद से जुड़ेगा, तो ये समाज, ये राष्ट्र, ये विश्व अपने आप शांत हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले इंसान को शांत होना होगा, उसके मन को थामना होगा, उसे आत्मिक रूप से जागृत करना होगा। आत्मिक रूप से जागृत करने के लिए ही बांके बिहारी की ये कृष्ण कथा आपके पास आई है, और स्वयं गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, हमारे आराध्य गुरुदेव, वे मानव को शांति ही प्रदान कर रहे हैं। और उनका तो उद्घोष है, मानव में क्रांति से विश्व में शांति, यही उनका अटल संकल्प भी है और यही उनका विजन भी है कि सबसे पहले मानव के हृदय में शांति को प्रकट करो, उसे आत्मिक रूप से जागृत कर दो, देख लेना विश्व में शांति भी अवश्य आएगी। परम सौभाग्य है हमारा, एक तो बांके बिहारी की कथा सुन रहे हैं और वो भी पूर्ण सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों में बैठकर उनकी कृपा से सुन रहे हैं। आओ
इस कथा के एक एक शब्द को हृदय में उतारते चलें, मनन करते चलें, स्वाध्याय करते चलें कि हमें जीवन में क्या पाना है, अभी क्या पाना बाकी रह गया है, हम क्यों नहीं कृष्ण के भक्त बन जाते, हम क्यों नहीं अपने अंतर्घट में अभी तक उस शांति को प्राप्त कर पाए जैसे भक्तों ने की। भक्तों के जीवन की गाथा से सीखिए और स्वयं भी प्रभु के परम भक्त बन जाइए। आज जिस भक्त की चर्चा हम करने जा रहे हैं, उस पात्र का नाम है द्रौपदी। उसे पांचाली भी कहा जाता है, याज्ञसेनी भी कहा जाता है, लेकिन उसकी सबसे अच्छी पहचान जानते हैं क्या है? उसका नाम है कृष्णा। वो कृष्ण की परम सखी है, परम सखी। द्रौपदी की जो कथा है वो तीन भागों में बांटी जा सकती है, जन्म, जीवन काल और मृत्यु। द्रौपदी का जन्म कोई साधारण नहीं है। कहां से हुआ, कैसे हुआ, आओ चलते हैं उस गाथा की ओर। राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य बाल्यकाल में एक ही गुरुकुल में उन्होंने अध्ययन किया, तदोपरांत वे अपने अपने कर्म क्षेत्र की ओर चल दिए। समय बीता, गुरु द्रोणाचार्य के जीवन में आर्थिक परिस्थितियां इतनी विकट हुई कि उन्हें स्मरण हो आया अपने मित्र द्रुपद का और सहायता लेने के लिए वो द्रुपद के पास आए। लेकिन जैसे ही सहायता के लिए उन्होंने याचना की, राजा द्रुपद अभिमान में चूर हुआ, उसने तो द्रोण को पहचानने से भी इनकार कर दिया। कहने लगे, तुम बालपन की मित्रता की बात करते हो, अरे वो बालपन था बालपन, अब वो बातें शोभा नहीं देती। जैसे ही द्रुपद ने द्रोण को अपमानित किया, द्रोण उस सभा का त्याग कर चले गए, लेकिन भीतर ही प्रतिशोध की अग्नि में दहक उठे। उन्होंने भी संकल्प लिया कि जिस प्रकार मुझे द्रुपद ने अपमानित किया है, मैं भी उसे एक दिवस ऐसे ही अपमानित करूंगा। पूरी योजना उनकी तैयार हो चुकी है। पांडव कुमारों, कौरव कुमारों को उन्होंने शिक्षा देनी आरंभ कर दी है। तदोपरांत जब शिक्षा पूर्ण हुई तो उन्होंने गुरु दक्षिणा के स्वरूप उन्होंने द्रुपद का राज्य मांग लिया। शिष्यों ने द्रुपद का राज्य द्रोण को दे दिया। द्रोण ने क्या किया, आधा राज्य अपने पुत्र अश्वत्थामा के नाम कर दिया और आधा राज्य द्रुपद को दे दिया। कहने लगे, द्रुपद अब तो हम बराबर है ना, अब तो हम मित्र है ना, अब तो हम में कोई ऊंचा या कोई छोटा नहीं, अब हम दोनों एक जैसे हैं, इसलिए आज से हमारी मित्रता फिर से आरंभ होती है, जाओ अपना आधा राज्य संभाल लो। राजा द्रुपद आधा राज्य स्वीकार तो कर लिया, लेकिन भीतर ऐसा दावानल प्रज्वलित हो रहा था मानो उसी क्षण द्रोण को जलाकर भस्म कर देंगे। लेकिन स्वयं को नियंत्रित किया और अपने राजभवन वापस लौट कर आए। अपने ही कक्ष में यहां वहां भ्रमण कर रहे हैं और उपाय ढूंढ रहे हैं, किस प्रकार मैं उस द्रोण से अपने इस अपमान का बदला लूंगा। पहुंच गए ब्राह्मण याज और उपयाज के पास। उनसे जाकर करबद्ध निवेदन किया, हे ब्राह्मण देव, इस समय मेरे भीतर प्रतिशोध की अग्नि धधक रही है और यह अग्नि मुझे जलाकर भस्म कर देगी, इसलिए मैं आपसे आपके आशीर्वाद की वर्षा चाहता हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे एक ऐसी संतान चाहिए जो दुर्जय हो और द्रोण विनाशक हो, आप मुझ पर उपकार कीजिए। याज और उपयाज ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, यूं तो यह असंभव है, परंतु फिर भी हम आपके लिए प्रयास अवश्य करेंगे। याज और उपयाज ब्राह्मण ने संपूर्ण तैयारियां की और उसके बाद यज्ञ आरंभ हो गया, जिस यज्ञ के भीतर से द्रोण का अंत करने वाले पुत्र की कामना द्रुपद ने की थी। यज्ञ आरंभ हुआ, मंत्रों की ध्वनि आरंभ हुई, अनेकानेक ब्राह्मण आकर वहां विराजमान हो गए और वहीं बैठ गए आकर राजा द्रुपद भी। धीरे धीरे सामग्री उस हवन कुंड में डलती चली जा रही है। तभी कुछ ही क्षण बीते होंगे कि उसमें से देवताओं के समान सुंदर एक कुमार प्रकट हुए, जिनके माथे पर किरीट सुशोभित था और अंगों में उत्तम कवच उन्होंने धारण किए हुए थे। हाथों में खड़ग पकड़ी हुई थी और धनुष बाण को भी पकड़ा हुआ था।
वह कुमार सिंह के भांति गर्जना कर रहा था और उसी समय श्रेष्ठ रथ पर जाकर आरूढ़ हो गया। मान लो अभी मानो युद्ध के लिए सज्ज हो गया हो। द्रुपद ने देखा, बड़ा प्रसन्न हुआ। वह मुझे ऐसी ही संतान की कामना थी, मुझे ऐसा ही पुत्र चाहिए था। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यह जो आपका पुत्र है, यह धृष्ट, अमर्षशील तथा द्युम्न इत्यादि के साथ उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसका नाम होगा धृष्ट द्युम्न। द्रुपद बहुत प्रसन्न है, क्योंकि जिस पुत्र की उन्हें कामना थी वो उन्हें प्राप्त हो गया है। लेकिन यज्ञ की अग्नि अभी भी शांत नहीं हुई है। ब्राह्मणों ने कहा, हे महाराज, हे राजन, आपको इस यज्ञ से एक पुत्री की भी प्राप्ति होगी। देखते ही देखते ब्राह्मणों की कृपा से उसी यज्ञ की वेदी से एक बहुत सुंदर कन्या प्रकट हुई। वह कन्या जिसके रोम रोम से तेज फूट रहा था, ऐसा लगा मानो देवी दुर्गा मानवीय रूप लेकर आज वहां प्रकट हो गई है। श्याम वर्ण की वह देवी जैसे ही ब्राह्मणों ने देखा, कहने लगे, ये यज्ञ से उत्पन्न हुई है, इसलिए इसका एक नाम यज्ञसेनी होगा। हे महाराज द्रुपद, क्योंकि ये आपकी पुत्री है, इसलिए आज से इसका नाम द्रौपदी होगा, द्रौपदी। हे द्रौपदी, हे यज्ञसेनी, हे तेजस्विनी, हे महानायिका, तुम्हें नमन है, तुम्हें नमन है, तुम्हें नमन है। रखने को नींव पग है धरा, जैसे ही यज्ञसेनी द्रौपदी उस अग्नि से प्रकट हुई और उसे यह ज्ञात हुआ
कि इस अग्नि को इसलिए प्रज्वलित किया गया था क्योंकि मेरे पिता गुरु द्रोण से प्रतिशोध लेना चाहते हैं। द्रौपदी के मन के भीतर असंख्य प्रश्न जन्म ले उठे। सोच रही है, क्या मेरे इस मानव जीवन का लक्ष्य केवल प्रतिशोध होगा? मैंने तो सुना है कि इतना अनमोल मानव तन इसलिए प्राप्त होता है ताकि हम आत्म साक्षात्कार कर सकें। भगवत चरणों की सेवा के लिए ये मानव तन की उपलब्धि होती है। हे विधाता, क्या मेरे जीवन का मूल्य केवल इतना है कि मुझे केवल प्रतिशोध के लिए प्रकट किया गया है? क्या मैं केवल युद्ध का एक शस्त्र बनकर रह जाऊंगी बस? क्या मेरे जीवन में कभी शांति नहीं आएगी? क्या मैं केवल प्रतिशोध लेने के लिए इस भूलोक पर आई हूं? ऐसे कितने प्रश्न हैं जो द्रौपदी के भीतर आ चुके हैं। उसी समय एक आकाशवाणी होती है और वह आकाशवाणी कहती है कि जिस दिव्य कन्या ने जन्म लिया है, क्योंकि इसका जो वर्ण है वो कृष्ण है, इसलिए इसका एक नाम कृष्णा भी होगा और यह कृष्ण की परम सखी कहलाएगी। जैसे ही आकाशवाणी शांत हुई, द्रौपदी के कानों में कृष्ण शब्द गूंजा। ऐसा लगा मानो किसी ने उसके सारे प्रश्नों का अंत कर दिया है। उसके हृदय को ठंडक अनुभव होने लगी। जितने भी प्रश्न थे वो सब अब समाप्त हो गए हैं। ऐसा लगता है कि इस कृष्ण शब्द से उसका बहुत अच्छा परिचय है। कोई पूर्व जन्म का कोई संबंध है जिसे वो इस समय ढूंढ रही है। वो कृष्ण कहाँ है? वो मुझे कहाँ मिलेंगे? कब मैं उनकी सखी बन जाऊंगी और कब मैं उनके श्री चरणों को स्पर्श कर पाऊंगी? वो कहाँ है? द्रौपदी जो प्रतिशोध के अग्नि से प्रकट हुई है, जिसका जन्म साधारण नहीं है। देखिए, ध्यान दीजिए, द्रुपद ने अपमान किया, कटु शब्द कहे द्रोण को, और द्रोण ने क्या किया? रिएक्ट किया, भीतर उस अपमान को रख लिया और प्रतिक्रिया दी। क्या हुआ? फिर उसने अपमान किया द्रुपद का, सुनने वाला द्रुपद भी स्वयं को रोक नहीं पाया, उसने भी रिएक्ट किया, उसने भी प्रतिशोध लेने के लिए पुत्र को प्रकट किया। द्रौपदी सोच रही है, क्या सच में, क्या द्रौपदी भी, जो वो उस अग्नि से प्रकट हुई है, प्रतिशोध की अग्नि से, क्या वो भी इस प्रतिशोध श्रृंखला की एक कड़ी बनकर रह जाएगी? नहीं, ये चुनाव उसका है कि वो क्या करना चाहती है। आप जानते हैं, जब हम फ्लाइट लेते हैं तो फ्लाइट में बैठकर टेक ऑफ होने लगता है, क्या वो हमारे बस में होता है? नहीं, वो पायलट के बस में होता है। उस प्लेन की जो लैंडिंग होती है, क्या वो हमारे कहने पर होती है या हमारे बस में होती है? नहीं, वो भी पायलट के बस में होती है। वो भी नियम और समय के अनुसार चलता है। जो उस प्लेन के अंदर डिस्टर्बेंसेस आती हैं, क्या उस पर हमारा कोई बस चलता है? नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो उस फ्लाइट में बैठकर हमारे बस में क्या है? हमारी चॉइस क्या है? कुछ लोग मूवीज देखते हैं, कुछ लोग फ्रेंड्स बनाते हैं, कुछ लोग सो जाते हैं। इसी तरह इस जीवन रूपी यात्रा में हमारे बस में क्या है? क्या हमारा जन्म हमारे बस में है? क्या हम अपना नेशन, हम अपनी सिटी, हम अपने माता पिता खुद चुन सकते हैं? नहीं। क्या हमारी मृत्यु हमारे बस में है? क्या हमें पता है हमें मृत्यु कब आनी है? क्या हम अपनी मृत्यु का समय सुनिश्चित कर सकते हैं? नहीं। जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी, डिस्टर्बेंसेस आएंगी, छोटी मोटी तो हम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर प्रॉब्लम्स हमारे बस से बाहर होती हैं। तो हमारे नियंत्रण में क्या है, हमारे बस में क्या है? वो है हमारी चॉइस। किस जीवन काल को हम कैसे व्यतीत करते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है। आपने स्लेजिंग वर्ड सुना होगा, ज्यादातर ये क्रिकेट में इस्तेमाल होता है। जब कोई विपक्ष का प्लेयर आकर दूसरे प्लेयर को, दूसरी टीम के प्लेयर को आकर अपशब्द कहता है, और उन अपशब्दों को कहने के पीछे यही लक्ष्य होता है कि ये अपने लक्ष्य से विहीन हो जाए।
मेरी बातों को सुनकर ये प्रतिक्रिया दे और यह जिस कार्य के लिए निकला है, जो इसकी सोच है, जो ये करना चाहता है, वो भूल कर ये कुछ और कर बैठे। कहते हैं क्रिकेट के इतिहास में सचिन तेंदुलकर ऐसे थे जिन पर स्लेजिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कहते हैं कि सचिन बहुत कूल थे। क्या आप ऐसे कूल हैं? कोई आपको अपशब्द कहे, कोई आपको आकर कटु शब्द कह दे, क्या आप कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे? कैसे प्रतिक्रिया देंगे? तुरंत रिएक्ट कर देंगे? जैसे कटु शब्द उसने कहे, आप भी प्रतिक्रिया स्वरूप वैसे ही कटु शब्द उससे कह देंगे? या फिर थोड़ी देर शांति से बैठेंगे, सोचेंगे, मनन करेंगे और फिर रिस्पॉन्ड करेंगे? आपकी कैसी प्रतिक्रिया होगी? आजकल देखा जाए, समाज की ओर देखें तो आज तो इंसान सोडा की बोतल बन गया है। बस सोडा की बोतल को आप थोड़ा सा हिलाइए और जैसे ही खोलेंगे उसमें से उफान बाहर आता है। इंसान भी ऐसा हो चुका है, उसे जरा सा आप कुछ कहें तो उसमें उफान आ जाता है, वो भी कटु शब्द कहता है, क्रोध से भर जाता है। मुझे लगता है हमारी जिंदगी हमारी रही नहीं, हम तो रिमोट कंट्रोल के अनुसार जी रहे हैं। हमारी जिंदगी का रिमोट किसी के हाथ में है और किसी दूसरे की जिंदगी का रिमोट हमारे हाथ में है। रिमोट उठाया, बटन प्रेस किया और सामने वाले की प्रतिक्रिया हमें देखने को मिलती है। कोई हमारा बटन दबा देता है तो यहां से हम तिलमिला उठते हैं। सज्जनों, किसी ने अपशब्द कह दिए, किसी ने कटु शब्द कह दिए और प्रतिक्रिया स्वरूप आपने भी उसे अपशब्द कह दिए, तो आप दोनों में अंतर क्या रह गया? इस कटुता के कारण समाज में घृणा बढ़ रही है, संबंध टूटते नजर आ रहे हैं, चारों ओर नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी बहुत सुंदर कहते हैं। श्री महाराज जी कहते हैं, आप किसी की समस्या को अपनी समस्या क्यों बना लेते हैं? कोई आपको बुरा कहता है, कोई आपको अपशब्द कहता है, ये उसकी समस्या है। लेकिन जब प्रतिक्रिया में आप भी उसे बुरा कहते हो, यानी आपने उसे अपनी समस्या बना लिया। श्री महाराज जी कहते हैं, कीचड़ को कीचड़ से धोया नहीं जा सकता, नेगेटिविटी को नेगेटिविटी से खत्म नहीं किया जा सकता। -9 है, अगर आप उसके साथ -10 लगा देंगे तो वो -19 बनेगा। अगर आपको इस संख्या को पॉजिटिव करना है तो आपको -9 के आगे +10 लगाना होगा, तब वो +1 बनेगा। श्री महाराज जी कहते हैं, आपको विवेकी बनना होगा, मनन चिंतन करना होगा कि जो सामने वाले ने बात कही है, कहीं मुझ में वो कमी तो नहीं। अगर वो कमी नहीं है तो आपको धैर्य का परिचय देना चाहिए। अगर धैर्य का परिचय देंगे तो ये सामने वाले के लिए सबसे कड़ा उत्तर होगा। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन की एक घटना आती है। एक बार वो कहीं से जा रहे थे, तभी एक व्यक्ति आया और उसने उनके मुख पर थूक दिया। आप होते इस जगह पर तो क्रोध से भर जाते। वल्लभ भाई पटेल जी मुस्कुरा दिए, कहने लगे, चलो कोई तो गुस्सा थूकना सीखा। यह सुनते ही वो व्यक्ति शर्मसार हो गया, शर्मसार। कितनी जल्दी उस बात से मुक्त हो गए, उसकी जो क्रिया थी उसको कितनी सहज भाव से लिया वल्लभ भाई पटेल जी ने। दूसरा उदाहरण लेते हैं, सावित्री बाई फुले जी का, जो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका हुई हैं। कहते हैं कि उस समय महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, परंतु उन्होंने ये अभियान आरंभ किया कि महिलाओं को भी शिक्षा मिलनी चाहिए। लोगों ने इसका विरोध किया, न जाने कैसे कैसे अपशब्द कहे उन्हें। और जानते हो, जब वो महिलाओं को पढ़ाने के लिए स्कूल की ओर जाती थी, रास्ते में लोग उन पर गोबर फेंकते थे, कीचड़ फेंकते थे, विष्ठा फेंकते थे, लेकिन सावित्री बाई जी मुस्कुराती हुई चली जाती और अपने थैले में एक एक्स्ट्रा साड़ी लेकर जाती थी, क्योंकि सारे वस्त्र रास्ते में मलिन हो जाते थे, स्कूल में जाके पहले वस्त्र बदल लेती थी। क्या हुआ? प्रतिक्रिया देती तो जिस कार्य को करने का संकल्प किया था, क्या वो पूर्ण होता?
लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, धैर्य दिखाया और उसका क्या परिणाम निकला हम सब जानते हैं। सज्जनों, यही श्री महाराज जी हमें समझा रहे हैं कि दूसरे के मस्तिष्क के कूड़े को अपने भीतर मत डलने दो। आपको इसे डिटेल में समझना है तो एग्जाम्पल लेते हैं समर्थ गुरु रामदास जी का। एक बार समर्थ गुरु रामदास जी एक हाथ में कमंडल लिए और दूसरे में बैरागन लिए एक माँ के द्वार पर अलख जगाने पहुंच गए। अलख निरंजन, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। जैसे ही समर्थ गुरु रामदास जी की याचना को सुना, एक माता भीतर से आई। उसके हाथ में मिट्टी से सना हुआ एक सूती कपड़ा था जिससे वो चूल्हे को पोत रही थी। क्रोध में आई और उसी मिट्टी से सने हुए सूती कपड़े को समर्थ गुरु रामदास जी की ओर फेंक दिया। ये ले तेरी भिक्षा और जा यहां से। समर्थ गुरु रामदास जी, जिन्होंने माँ के ऐसे व्यवहार को देखा तो मानो उनके भीतर मन और आत्मा में एक द्वंद्व छिड़ गया। मन ने कहा, ये कैसा व्यवहार है? मेरी याचना के बदले माँ ने ऐसे कटु शब्द कहे और ऐसा क्रोध दिखलाया। आत्मा ने कहा, क्या करेगा, तेरे पास तीन रास्ते हैं। अगर तू भी माँ की तरह ही प्रतिक्रिया करेगा तो तेरा जो व्यवहार है वो भी दूषित हो जाएगा। दूसरा रास्ता, तन से कोई प्रतिक्रिया मत कर, लेकिन मन ही मन कोस ले, मन ही मन माँ को बुरा कह दे। लेकिन इससे क्या होगा, तेरे अंदर जो भावना है घृणा की, ईर्ष्या की, वो तेरे अंदर ही रह जाएगी। वो अपमान तेरे जीवन में खुजली की भांति नासूर बन जाएगा। और उससे क्या होगा, तेरे मन ईश्वर को बिठाने के योग्य नहीं रह पाएगा। आत्मा ने कहा, लेकिन एक तीसरा मार्ग है। सोच कि माँ ने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। कारण है उसकी अज्ञानता, पूर्व संस्कार और वृत्तियां। अरे वो तो खुद ही विकारों के अंधेरे में है, प्रेम और सौहार्द के उजालों से दूर है। वो तो स्वयं बेचारी है, ईश कृपा को तरस रही है, उसे तो ईश कृपा चाहिए। समर्थ गुरु रामदास जी, जिन्होंने आत्मा के स्वर को सुना, वापिस बिना किसी प्रतिक्रिया के अपने आश्रम लौट आए। आकर माँ के द्वारा दिए गए उस सूती वस्त्र को धोया, स्वच्छ किया और उसमें से एक टुकड़ा फाड़कर उसकी बाती बनाई। उसे तेल में डालकर, दीपक में डालकर जला दिया। दीपक को जैसे ही दीपक जला, प्रकाश हो गया। उस समय समर्थ गुरु रामदास जी प्रार्थना करते हैं भगवान के चरणों में कि प्रभु, जिस प्रकार इस दिए ने अंधकार को दूर कर प्रकाश किया है, उसी प्रकार आप भी इस माता के भीतर के अंधकार को, अज्ञानता के अंधकार को दूर कीजिए, उसके जीवन पर कृपा कीजिए, उसे प्रकाशित कीजिए। समर्थ गुरु रामदास जी ने अपने दायित्व को पूरा किया। अब बाकी उनके राम जाने और उनका काम जाने। यही है सबसे उचित मार्ग इस परिस्थिति से जूझने का, इस परिस्थिति से लड़ने का। यही है बेस्ट प्रतिक्रिया कि आप दूसरों को उन्हीं के अनुरूप उत्तर ना दें, थोड़ा सोचें, मनन करें और धैर्य रखें। अगर सामने वाला नकारात्मक है तो स्वयं भी नकारात्मक मत बन जाइए। अगर सामने वाला क्रोधी स्वभाव का है और आप भी क्रोधी बन जाएंगे तो इसमें आपका लाभ क्या होगा? कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए शास्त्र ग्रंथ कहते हैं, श्री महाराज जी कहते हैं कि नेगेटिविटी को नेगेटिविटी से खत्म नहीं कर सकते। आपको उसे खत्म करने के लिए पॉजिटिव होना होगा। और यदि आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं, आप हमेशा सकारात्मक रहना चाहते हैं, तो आपको पॉजिटिविटी के स्रोत से जुड़ना होगा। और पॉजिटिविटी का स्रोत क्या है? हमारे बांके बिहारी, हमारे कृष्ण मुरारी, जहां से सदैव सकारात्मक तरंगे निकलती हैं। बस एक बार अपने प्रभु को अपने अंतर्घट में उतार लो, एक बार अपना संबंध अपने प्रभु से जोड़ लो, तो देखना आप कभी नकारात्मक होंगे ही नहीं, सदैव उस सकारात्मकता से जुड़े रहेंगे।
और उस पॉजिटिविटी से जुड़े रहने के उपरांत लोग आपके साथ कैसा भी दुर्व्यवहार करें, पर आप रिएक्ट नहीं करेंगे, आप मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, आप उनके विकारों को अपने जीवन में उतरने नहीं देंगे, आप उनकी समस्याओं को अपनी समस्या नहीं बनाएंगे, आप उनके मस्तिष्क के कूड़े को अपने मस्तिष्क में नहीं डालेंगे। आपका जीवन भगवान के चरणों से जुड़कर, भगवान की भक्ति से जुड़कर, उस सकारात्मक स्रोत से जुड़कर हमेशा पॉजिटिव ही बना रहेगा। इसलिए आओ ये प्रयास करें कि बांके बिहारी के चरणों से जुड़ जाएं, अपने इस अंतर घट में अपने बांके बिहारी को प्रकट कर लें, उस सकारात्मक स्रोत को पालें, फिर निरंतर उस स्रोत से जुड़े रहेंगे और पॉजिटिव बने रहेंगे। बाहर की परिस्थितियां कितनी विकट क्यों ना हो जाएं, कितने भी नेगेटिव लोगों से हमारा मिलन क्यों ना हो, लेकिन अगर हम अंदर से पॉजिटिव हैं तो कोई हमें नेगेटिव नहीं कर पाएगा। द्रौपदी का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रतिशोध की अग्नि से जन्म लिया है, लेकिन क्योंकि कृष्ण के चरणों से जुड़ गई है, इसलिए वो जो कड़ी बन सकती थी प्रतिशोध की, वो वहीं टूट गई। द्रौपदी का जीवन कैसा है? कृष्ण की परम सखी बनी, कृष्ण से भेंट हुई और उनके रूप माधुरी को देखकर, उनकी दिव्यता से ओतप्रोत होकर द्रौपदी ने स्वयं को धन्य धन्य अनुभव किया। द्रौपदी के हृदय से हमेशा यही भाव निकले, हर मोड़ नई उलझन है, कदमों का संभलना मुश्किल है, तू साथ ना दे तो धूप तो क्या, छाओ में भी चलना मुश्किल है, छाओ में भी चलना मुश्किल है। कृष्ण ने पग पग पर द्रौपदी का संरक्षण किया है, पग पग पर उन्होंने द्रौपदी को सन्मार्ग दिखाया है। द्रौपदी जब भी व्यथित हुई, उसने हमेशा कृष्ण से अपने प्रश्नों का निवारण किया है। जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, अर्जुन ने मछली की आंख को भेद दिया और द्रौपदी को प्राप्त किया। अर्जुन द्रौपदी को संग लेकर अपने अन्य भाइयों के संग माता के पास पहुंचा, तो जानते हैं उनके मुख से क्या निकला? माँ देखो आज हम क्या लेकर आए हैं। माँ कुंती ने बिना देखे ही कह दिया, पांचों भाई बांट लो। जब पीछे मुड़कर देखा तो वह तो एक नारी थी, द्रौपदी थी। एक असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई। ऐसी स्थिति में भी हमारे भगवान श्री कृष्ण ने ही द्रौपदी का मार्गदर्शन किया, उसे याद दिलाया, उसे बतलाया, पूर्व जन्म में तुम एक ऋषि कन्या थी, भगवान शिव से तुम्हें वरदान प्राप्त था, इसलिए पांचों पांडवों को पति के रूप में स्वीकार कर लो, द्रौपदी स्वीकार कर लो। संयमित और मर्यादित जीवन जिया है द्रौपदी ने, इसलिए द्रौपदी को तेजस्विनी कहा जाता है, द्वापर युग की महानायिका कहा जाता है उसको। समय चक्र घूमता रहा, आगे बढ़ता रहा। समय वो आया जब भगवान श्री कृष्ण की कृपा से इंद्रप्रस्थ नगरी का निर्माण हो गया, राजसूय यज्ञ रखा गया और दूर दूर से सभी राजाओं को भी निमंत्रण दिया गया। जब सभी राजा आए तो वहां कौरव भी आए। सभी ने जब उस भव्य इंद्रप्रस्थ को देखा तो आप जानते हैं दुर्योधन कैसा था। दुर्योधन तो ईर्ष्या भाव से ग्रसित था और जब उसने उस भव्य इंद्रप्रस्थ नगरी को देखा तो अब तो वह अपनी ईर्ष्या पर नियंत्रण नहीं रख पाया। राजसूय यज्ञ में भगवान कृष्ण की अग्र पूजा की गई और आप जानते हैं इस अग्र पूजा में विघ्न बना शिशुपाल, लेकिन 100 बार उसने प्रभु का अपमान किया, इसलिए भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को धारण किया और शिशुपाल का वध कर डाला। कहते हैं कि उस समय भगवान श्री कृष्ण के जो उंगली थी उस पर एक छोटा सा घाव हो गया था और उसमें से रक्त बहने लगा था। यह दृश्य जब द्रौपदी ने देखा, उसने अविलंब अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और तुरंत कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया। कृष्ण ने देखा, मुस्कुरा दिए, कहने लगे, द्रौपदी इस साड़ी के पल्लू के एक एक धागे का मोल मुझे चुकाना होगा। द्रौपदी कृष्ण के इस शब्दों के मर्म को जान नहीं पाई, बस मुस्कुरा भर दी।
राजसोय यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ, सभी राजा अपने अपने राज्यों को वापस लौट गए, लेकिन दुर्योधन वहां से वापस नहीं लौटा। दुर्योधन जा पहुंचा इंद्रप्रस्थ के जो भव्य राजभवन था उसका दर्शन करने। वह जानना चाहता था कि मैं दानव के द्वारा बनाई गई जो ये रंगशाला है, ये अंदर से दिखती कैसी है। पग पग चलता जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उसे लगता है मैं मृत्यु लोक में ही हूँ या मैं देवताओं की किसी नगरी में हूँ। अरे इतना सुंदर है ये, कितनी भव्यता है इसमें। और चलते चलते अचानक उसे दिखाई दिया कि बहुत पानी है उसके मार्ग में। पर जब वो थोड़ा आगे बढ़ा, उसने छू कर देखा, वहां पानी की एक बूंद नहीं थी। हतप्रभ रह गया, अचरज में पड़ गया कि ये सब क्या है, ये कौन सी माया है। थोड़ा और आगे बढ़ा, एक कालीन, सुंदर सा कालीन उसे बिछे हुए दिखाई दिया। उसने कहा अच्छा कालीन है। जैसे ही पग आगे बढ़ाया, वो कालीन नहीं था, वो केवल एक भ्रम था, वो पानी था। और दुर्योधन उसी जल के स्रोत में गिर गया और नख से शिख तक वो पानी में डूब गया। गवाक्षों में खड़ी द्रौपदी अपनी सखियों के संग इस दृश्य को देख रही थी। दुर्योधन को लगा कि जैसे द्रौपदी व्यंग्यात्मक ढंग से उसे देखकर मुस्कुरा रही है। ईर्ष्या से तो वो पहले ही दुर्योधन युक्त था, लेकिन द्रौपदी की इस छोटी सी मुस्कुराहट ने मानो इस ईर्ष्या में घी का काम कर दिया। उसी पल वो वापस अपने हस्तिनापुर लौटा और अपने मामा शकुनी के संग मिलकर उसने एक भयंकर षड्यंत्र का निर्माण किया। एक ऐसा षड्यंत्र जिसके भविष्य की कल्पना भी उसने कभी नहीं की थी। वो षड्यंत्र था द्यूत क्रीड़ा। जाकर अपने पिताश्री से कहा कि मैं चाहता हूं कि पांडव आकर यहाँ द्यूत क्रीड़ा खेलें। बड़ा आनंद आएगा जब मेरे भ्राता मेरे समक्ष होंगे, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। जैसे ही धृतराष्ट्र ने सुना, उसी समय विदुर जी से कहा जाइए, जाकर युधिष्ठिर को मेरा ये आदेश दीजिए, मेरी आज्ञा दीजिए कि पांचों पांडव द्रौपदी को संग लेकर द्यूत क्रीड़ा के लिए हस्तिनापुर पधारें। विदुर जी गए, धृतराष्ट्र का संदेश सुना दिया, साथ ही साथ सतर्क भी कर दिया कि द्यूत क्रीड़ा बुरा है, ये ऐसा व्यसन है जो संपूर्ण परिवार को नष्ट भ्रष्ट कर सकता है, इसलिए महाराज युधिष्ठिर सतर्क रहिएगा, सजग रहिएगा। लेकिन धृतराष्ट्र का आदेश था, उनकी आज्ञा थी, इसलिए युधिष्ठिर मना नहीं कर पाया। अपने भाइयों को संग लेकर, द्रौपदी को संग लेकर पहुंच गए वहां। द्यूत क्रीड़ा आरंभ होने जा रही है। जो राज सभा का दृश्य है वो बड़ा अद्भुत है। स्वयं राज सिंहासन पर वो बैठे हैं जो जन्म से अंधे हैं, लेकिन उनके कान भी मानो सारे दृश्यों को देख लेते हैं। अपने पुत्र के हाथों की कठपुतली बने धृतराष्ट्र राज सिंहासन पर आरूढ़ हैं। दाईं ओर सर्व सम्माननीय भीष्म पितामह विराजमान हैं और उन्हीं के संग विदुर जी भी विराजमान हैं। बाईं ओर गुरु द्रोणाचार्य व कृपाचार्य भी उपस्थित हैं। उस सभा में बहुत सारे विद्वान राजा भी दूर दूर से पधारे हैं और उस सभा की शोभा बने हैं। बीचों बीच चौसर का मंडप लगा हुआ है, जिसके एक ओर बैठे हैं पांडव और दूसरी ओर बैठे हैं कौरव। कौरवों में कौन है? दुर्योधन, दुशासन, कर्ण बैठा है और शकुनी बैठा है। आरंभ हुई द्यूत क्रीड़ा। और जैसे ही द्यूत क्रीड़ा आरंभ हुई, सबसे पहले दाव खेलने का अवसर दुर्योधन को दिया गया, क्योंकि शकुनी चौसर की गोटियों को सिद्ध कर चुका था, यानी वो अपने मन में जिस अंक को लाएगा वो गोटी उसी अंक को चौसर पर फेंकेगी। जैसे ही पहला दाव फेंका गया, दुर्योधन जीत गया। धीरे धीरे पासे चल रहे हैं, दाव पर दाव लग रहे हैं, कभी कोई जीतता है, कभी कोई जीतता है, कभी एक पराजय, कभी दूसरा पराजय। धीरे धीरे पासों ने अपना रंग दिखाना शुरू किया और पांडव हारते चले गए। राज्य हार गए, मान सम्मान हार गए, धन संपदा हार गए, सब कुछ हार गए।
ना दाम बचा ना राम बचा। दाम सारा द्युत क्रीड़ा में हार गए और याद में राम भी नहीं रहा, इसलिए पास में केवल बचा तो चाम बचा युधिष्ठिर का और उसके भाइयों का। लेकिन अगले ही पल दुर्योधन ने कहा, हे युधिष्ठिर, अब तो तुम्हारे पास तुम्हारे भाई भी हैं और तुम स्वयं भी हो। लगाओ स्वयं को दाव पर, लगाओ अपने भाइयों को दाव पर। युधिष्ठिर की बुद्धि भ्रमित हो चुकी थी, इसलिए उसने स्वयं को और अपने भाइयों को दाव पर लगा दिया। क्या हुआ? पराजित हो गया, क्योंकि चौसर की गोटियां तो पहले ही शकुनी के हाथों में थी, वो तो सिद्ध की हुई थी। छल और प्रपंच से भरा हुआ था आज जो ये सभा लगी थी। द्योत क्रीड़ा छल और प्रपंच से जीती जा रही थी। जैसे ही पांडव पराजित हुए, अब वे दुर्योधन के दास बन गए दास। लेकिन दुर्योधन अभी भी शांत नहीं था, क्योंकि जिसे वो जीतना चाहता था वो तो अभी भी राजभवन के अंदर बैठी थी। उसे क्षण दुर्योधन ने कह दिया, युधिष्ठिर, तुम्हारे पास अभी एक और मौका है। तुम चाहो तो द्रौपदी को दाव पर लगा दो। तुम जीत गए तो मैं सब कुछ तुम्हें वापस कर दूंगा। जैसे ही दुर्योधन के मुख से द्रौपदी शब्द फूटा, पाप को लगा कि लगता है आज मेरी भी कोई सीमा नहीं है। भीष्म पितामह की आंखों में अश्रु आ गए, कहने लगे, हे द्यूत व्यसन, आज तूने मर्यादा की सारी सीमाओं को लांघ दिया है। लेकिन अफसोस, भीष्म की आंखों में अश्रु रहे, वो तलवार नहीं उठा पाए। अगर वे तलवार उठाते तो फिर उस द्योत सभा में भविष्य में जो हुआ वो कभी नहीं हो सकता था। वहां बैठे हैं विदुर भी, महाज्ञानी हैं, लेकिन अनीतियां छाती ठोक कर तांडव कर रही हैं, विदुर भी कुछ नहीं कर पाए। कहते हैं जहां प्रकाश हो वहां अंधेरा टिक नहीं पाता। जहां महाज्ञानी गुरु द्रोण और कृपाचार्य विराजमान है वहां ऐसा अधर्म हो रहा है, वहां ऐसी अनीतियां चली जा रही है, जहां छल और प्रपंच हो रहा है, लेकिन सब केवल मौन बैठे हैं, कोई कुछ नहीं कर पा रहा। धिक्कार है ऐसी सभा को, धिक्कार है ऐसी सभा को, धिक्कार है। कैसी सभा ये अधर्म की, जहां चाह है दुष्कर्म की। तोड़ दी मर्यादाएं सब, साम्राज्ञी दासी बनी अब। अज्ञान का साम्राज्य है, दुष्टों का ही यहां राज्य है। छल कपट और दंभ है फैला, मन मलिनता से है मैला। हे महाबली भीष्म, क्यों निर्बल दिख रहे आज यूं? पुत्र मोह में अंधे हो महाराज धृतराष्ट्र, क्यों मौन है आज यूं? गुरु द्रोण की शिक्षा है लज्जित, संस्कारों का अंत है। सभा है ये दुर्भाग्य की, षड्यंत्र यहां अनंत है। ऐसा छल ऐसा प्रपंच खेला गया, युधिष्ठिर देखता ही रह गया। उसे कुछ समझ में नहीं आया, द्रौपदी को दाव पर लगाया और हार गया। जैसे ही द्रौपदी को हारा, उसी समय दुर्योधन ने अपने दास को बुलाया, दास जाओ उस दासी द्रौपदी को बुलाकर लेकर आओ। दास गया, जाकर द्रौपदी के कक्ष के बाहर जो दासियां खड़ी थी उन्हें दुर्योधन का आदेश सुना दिया। द्रौपदी ने सुना, मुझे बुलाया है, आने से इनकार कर दिया। दास ने आकर जैसे ही द्रौपदी का उत्तर सुनाया, दुर्योधन अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाया और उसी क्षण उसने अपने भ्राता दुशासन से कहा, दुशासन, उस दासी की यह जरूरत, जाओ उस दासी द्रौपदी को केशों से घसीट कर इस सभा में मेरे कदमों में लाकर फेंक दो। दुशासन दुष्ट बुद्धि अपने भ्राता का आदेश पाते ही लंबे लंबे डग भरता हुआ द्रौपदी के कक्ष की ओर बढ़ चला। यह वो धरा है
जिस धरा पर भाभी को मां तुल्य माना जाता है, आज उसी धरा पर ये दुशासन है जो अपनी मां समान भाभी का अपमान करने जा रहा है। यह वो धरा है जहां लक्ष्मण जैसा देवर भी हुआ, जिसने कभी पलकें उठाकर मां सीता की ओर देखा तक नहीं, लेकिन आज दुशासन अपनी आंखों में विषयों का विष भरकर अपनी मां समान भाभी की ओर बढ़ रहा है। जैसे ही दासियों ने रोकने का प्रयास किया, सभी दासियों को धकेलता हुआ दुशासन कक्ष के भीतर प्रवेश कर गया। द्रौपदी ने देखा, कहने लगी, क्या तुम्हें मान और सम्मान का तनिक भी ज्ञान नहीं? अरे क्या भूल गए कि मैं कुलवधु हूँ, कुलवधु, इस गुरु वंश के पुत्रवधु हूँ, पुत्रवधु। आज दुशासन द्रौपदी को केवल एक दासी के रूप में देख रहा था। कहने लगा, तू और पुत्रवधु, अरे तू तो दासी है, दासी, मेरे भ्राता की दासी और कुछ नहीं। केशों से जैसे ही द्रौपदी को पकड़ा, द्रौपदी ने उसे दूर गिरा दिया और उस समय एक शेरनी की भांति उसने गर्जना करते हुए कहा, नारी है ना शक्ति का, इस तथ्य को तुम मान लो, नारी है नाम शक्ति का, इस तथ्य को तुम मान लो, जहां सौम्यता वहां कोप भी, अनभिज्ञ हो तो जान लो, नर्क है वो स्थान जहां नारी का ना सम्मान हो, चले जाओगे। द्रौपदी ने दुशासन को सतर्क भी किया, लेकिन दुशासन मद में चूर हुआ, अपने भ्राता की आज्ञा का पालन करता हुआ उसने पुनः द्रौपदी के केशों को कसकर पकड़ लिया। द्रौपदी छुड़ाने का प्रयास कर रही है, लेकिन दुशासन उसे केशों से घसीटता हुआ राजसभा के भीतर ले गया। द्रौपदी चित्कार करती रही, दुशासन छोड़ दो, दुशासन मेरे केशों को छोड़ दो, अन्यथा जो अनर्थ होगा तुम उसे सह नहीं पाओगे। लेकिन दुशासन द्रौपदी की आवाज को, उसकी पुकार को अनसुना करता हुआ उसे राज्यसभा के भीतर लाकर फेंक दिया। जैसे ही द्रौपदी वहां पहुंची, उसने अपनी नजरें उठाकर चारों ओर बैठे हुए विद्वानों को देखा, राजाओं को देखा, ज्ञानियों को देखा और अपने जो वृद्ध हैं उन्हें भी देखा। दौड़ती हुई गई भीष्म पितामह के पास, जाकर उनके आगे हाथ जोड़े, कहने लगी, पितामह मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। यूं आंखें झुका लेने से समस्या का समाधान नहीं होता, उठाइए अपना हस्त और अपने पुत्र वधु को आशीर्वाद दीजिए। भीष्म पितामह की आंखें झुकी हुई हैं, वो चाहकर भी द्रौपदी को देख नहीं पा रहे। द्रौपदी ने कहा, हे पितामह, क्या हुआ? आपने तो कुरु सिंहासन की रक्षा का वचन लिया है, क्या उसमें कुरु मर्यादा का कोई महत्व नहीं? क्या यही भरत वंशियों की परंपरा है? क्योंकि जिस वंश से मैं आई हूं वहां ऐसी परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ तो पुत्री के सम्मान के लिए, पुत्र वधु के सम्मान के लिए मर मिटते हैं, क्या यही आप भरत वंशियों की परंपरा है? लगता है आप भी दुर्योधन के कपट में शामिल हैं। इस पाप रूपी वृक्ष की छाया में बैठे हैं। पितामह उठिए, अपने धनुष को उठाइए और इसी क्षण इस दुशासन की जीभा को काट दीजिए, जिसने आपके पुत्र वधु को दासी कहकर बुलाया है। बार बार कहती रही, लेकिन भीष्म पितामह टस से मस नहीं हुए।
द्रौपदी जा पहुंची धृतराष्ट्र के समक्ष। प्रणाम महाराज, प्रणाम। अच्छा है कि आप आंखों से देख नहीं सकते, अन्यथा आज इस सभा में आप अपनी पुत्र वधु का अपमान होते देखते। लेकिन एक बात बताइए, अगर देख नहीं सकते, क्या कानों से सुन भी नहीं सकते? क्या आपके कानों में मेरी चित्कार नहीं पहुंच रही? लगता है आपको अपने पुत्र की हाय सुनने की आदत हो गई है। हे महाराज धृतराष्ट्र, आप इस राज्य के कर्ता धर्ता हैं, बाकी लोगों की हाय सुनने की भी आदत डालिए, अन्यथा इस गुरुवंश में ऐसी हाय मचेगी कि ना तो कोई हाय करने वाला होगा, ना ही उस हाय को कोई सुनने वाला होगा। क्षमा कीजिए, मैं मानती हूं कि आज मेरी ये वाणी पुत्र वधु जैसी नहीं है, लेकिन मैं कैसे कुछ कहूं? मैं तो अब पुत्र वधु रही नहीं, मैं तो उसी समय मर गई थी जब आपके एक पुत्र ने मुझे दांव पर लगाया और दूसरे पुत्र ने मुझे दासी कहकर बुलाया। महाराज धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हैं और आज कानों से भी नहीं सुन पा रहे और मुख से भी नहीं बोल पा रहे। द्रौपदी पहुंच गई काका विदुर के पास, कहने लगी, आप तो नीतिज्ञ हैं, आप ही अपनी नीतियों में से ढूंढ कर बताइए, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। मेरे पति मुझे इस जुए में, इस द्यूत क्रीड़ा में कैसे हार सकते हैं? किसी नारी के स्वाभिमान को ये दांव पर कैसे लगा सकते हैं? काका कहिए। विदुर जी बहुत कुछ कहना चाहते हैं द्रौपदी से, लेकिन वो भी मौन है। द्रौपदी जा पहुंची गुरु द्रोणाचार्य के पास। हे गुरु द्रोण, आप तो इन सबके गुरु हैं, क्या आपने इन्हें ऐसी शिक्षा दी है? क्या आपने इन्हें सिखाया है कि भरी सभा में एक नारी का अपमान कैसे करना है? बताइए गुरु द्रोण, ये आपकी शिक्षा की कमी है या आपके शिष्यों की कमी है? मौन क्यों है? आज इस द्रौपदी के प्रश्नों का उत्तर कोई क्यों नहीं देता? बेजान हो रखी है ये सभा। जब किसी ने द्रौपदी के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, पहुंच गई अपने पतियों के पास। युधिष्ठिर से जाकर कहती है, भूतपूर्व नरेश, आपने मुझे बलिदान भी कहां किया चौसर के पट पर, शर्माती है मुझे शर्म। पति शब्द का अर्थ जानते हैं आप? पत रखने वाला, रक्षा करने वाला, संरक्षण करने वाला। लेकिन आपने तो मेरे पत को ही दांव पर लगा दिया, आज से आप मेरे पति कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। जा पहुंची अर्जुन के पास। बोलो स्वामी, बोलो, जिसने मछली की आंख का भेदन किया, आज वो इस दुशासन की आंखों का भेदन क्यों नहीं कर पा रहा? वो आंखें जो मेरी ओर इस प्रकार देख रही हैं। अर्जुन ने भी शीश झुका लिया। भीम भी कुछ नहीं कर पाया, नकुल सहदेव भी कुछ नहीं कर पाए। पतझड़ का सामना करते हुए जैसे वृक्ष के एक एक पत्ते झड़ जाते हैं, द्रौपदी की एक एक आशा आज निराशा में बदल गई। चारों ओर दृष्टि घुमाकर देख रही है, उसका अपना यहां कोई नहीं, कोई नहीं जो उसका संरक्षण कर सके। यह देख कर्ण की जुबान से विष निकला, कहने लगा, बस कर दासी, बस कर, पांच पांच पतियों की नारी कोई साधारण नारी नहीं होती, वैश्या होती है, वैश्या। और एक वैश्या का क्या मान और क्या सम्मान और क्या अपमान? दुर्योधन, आज मौका है इस नारी को पाठ पढ़ाने का। दुर्योधन ने यह सुनते ही आदेश पारित कर दिया, दुशासन से कहा, दुशासन, इसी समय इस नारी का वस्त्र हरण करो, इसका चीर हरण करो। यह सुनना था कि द्रौपदी ने अपने कानों पर अपने हाथों को रख लिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि आज इस राज्यसभा में मेरा ऐसा अपमान हो रहा है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। लगता है इस सभा में अब कोई देव उपस्थित नहीं है, यहां मेरा अपना कोई नहीं,
यहाँ कोई भी नारी का सम्मान करने वाला नहीं है, कोई भी नारी का संरक्षक नहीं है। जिस प्रकार दीपक प्रकाश देता है लेकिन बुझ जाने के बाद कालिमा भी देता है हाथों को, मुझे लगता है इस सभा से प्रकाश लुप्त हो चुका है। यहाँ कोई मेरी रक्षा नहीं कर पाएगा, कोई मेरी रक्षा नहीं कर पाएगा। उस समय द्रौपदी को स्मरण हो आता है अपने माधव का, अपने कृष्ण का। उसे याद हो आया कि मेरे कृष्ण ने कहा था, सखी जब भी मेरी सहायता की जरूरत पड़े मुझे अवश्य याद करना, मैं कितनी नादान हूं कि मैंने अपने कृष्ण का स्मरण पहले क्यों नहीं किया। मैं इन सगे संबंधियों की ओर देखती रही, ये तो पलके उठाकर मुझे देखने का भी सामर्थ्य नहीं रखते। जिस सभा में धर्म लुप्त हो चुका है, जहां चारों ओर अधर्म नजर आ रहा है, सबके मन मैले हो चुके हैं, मैले। मैं इनसे अपेक्षा कर रही थी ये मेरी रक्षा करेंगे, नहीं माधव, नहीं, मुझसे भूल हुई है, मुझे आपको बुलाने में विलंब हुआ है, विलंब। द्रौपदी ने दोनों नेत्र मूंद लिए, हाथ जोड़ लिए, अपने माधव से कहा, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, हे केशव मेरी रक्षा कीजिए, अपने कृष्णा को बचाने के लिए आज आपको आना पड़ेगा, प्रभु आपको आना पड़ेगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे।
भक्त वत्सल कृष्ण मुरारी प्रगट देख के विप्रदा भारी भक्त वत्सल कृष्ण मुरारी प्रगट देख के विप्रदा भारी चीर बढ़ा कर आज तनाई द्रौपदी की लाज बचाई चीर बढ़ा कर आज तनाई द्रौपदी की लाज बचाई जय मधुसूदन जय गिरधारी जय जय केशव कृष्ण मुरारी जय मधुसूदन जय गिरधारी जय जय केशव कृष्ण मुरारी जय मधुसूदन जय गिरधारी जय जय केशव कृष्ण मुरारी जय केशव कृष्ण मुरारी जय जय केशव कृष्ण मुरारी पुकार को सुनकर हमारे कृष्ण ने एक क्षण का भी विलंब नहीं किया। जड़ वस्तु तक में वृद्धि हो गई, इधर दुशासन चीर को खींचने लगा और उधर हमारे कृष्ण द्रौपदी के चीर में वृद्धि करते जा रहे हैं। चीर खींचने वाला सबको नजर आ रहा है, लेकिन चीर बढ़ाने वाला किसी को नजर नहीं आ रहा। चीर में मानो समुद्र जितनी लंबाई आ गई है, खींचते 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 पहाड़ बन गया है। दुशासन थक गया है और अब वो धरा पर गिर गया है। एक और शील को भंग करने की, चीर को हरने की जिद थी और दूसरी ओर शील को गंगा की भांति शुद्ध व पवित्र रखने का संकल्प था। भगवान कृष्ण विजयी श्री हुए और दुशासन हार गया। चीर में वृद्धि जिसने की वो कोई देख नहीं पाया, वो केवल द्रौपदी देख रही थी। नेत्रों को मूंदे अपने कृष्ण का स्मरण किया और कृष्ण के सुमिरन से जुड़ गई। अंतर्घट में प्रभु का दर्शन हो रहा है, अपने प्रभु को देख रही है, प्रभु की कृपा को देख रही है। जब दुशासन औंधे मुंह धरा पर गिर गया, हार गया, निराश हो गया, उस समय द्रौपदी ने नेत्र खोले। द्रौपदी के चीर की जिसने रक्षा की, हर श्वास में द्रौपदी उसका धन्यवाद अर्पित कर रही है। द्रौपदी ने उस सभा का त्याग कर दिया। जो भी वहां पर परिस्थितियां बनी, उन परिस्थितियों को देखते हुए पांचों पांडव और द्रौपदी को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा। उससे पूर्व द्रौपदी की भेंट होती है कृष्ण से। जैसे ही अपने प्रभु को देखा, अपने माधव को देखा, दौड़ कर गई द्रौपदी और उनके श्री चरणों को कसकर पकड़ लिया। आंखों से अश्रु बह रहे हैं और कृष्ण के चरणों का प्रक्षालन हो रहा है। प्रभु ने बड़े प्रेम से उसके मस्तक पर अपना हाथ रखा, उससे कहा, द्रौपदी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ कृष्णा, शांत हो जाओ। द्रौपदी ने कहा, प्रभु मुझे बताइए, जो मुझे इतना बड़ा दंड मिला है, ये मेरे कौन से कर्म का फल है? उस समय भगवान कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं, कई जन्मों पूर्व तुमसे ऐसा कर्म हुआ था जिसके तहत तुम्हें आज इसका फल भोगना पड़ा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जैसा कर्म इंसान करता है, चाहे बीते कितने पूर्व जन्मों में किया हो, लेकिन उसका फल तो भोगना ही पड़ता है। यही कर्म का सिद्धांत है और यही उस सिद्धांत की अटलता है। कर्मों के सिद्धांत से द्रौपदी मुक्त नहीं रह पाई, कोई मानव मुक्त नहीं रह सकता। अमीर हो, गरीब हो, बड़ा हो, छोटा हो,
जिसने जो कर्म किया है उसका फल आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वरना अगले जन्म में मिलेगा ही मिलेगा। इंसान कर्मों के बंधन में फंसा है। एक बार राजा जन्मेजय के भवन में महर्षि वेदव्यास जी का आगमन हुआ। उस समय वेदव्यास जी जन्मेजय के साथ कर्म सिद्धांत पर ही चर्चा कर रहे हैं। जन्मेजय ने कहा, ये तो सरासर अन्याय है, अन्याय, क्योंकि इंसान को पता ही नहीं होता कि भविष्य में उसके साथ क्या होने वाला है। वो तो भावी के हाथों की कठपुतली भर है, खिलौना भर है और कुछ नहीं। मुझे लगता है वेदव्यास जी कि अगर हमें ये ज्ञात हो जाए कि भविष्य में हमें कौन से कर्म का क्या फल मिलने वाला है या हमारा भावी कैसा होगा, तो अवश्य ही हम उस भावी को बदल सकते हैं। वेदव्यास जी ने जन्मेजय को अनेकानेक उक्तियों से समझाने का प्रयास किया, लेकिन जन्मेजय को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा, राजन, लगता है आप ऐसे नहीं समझेंगे। आपको मैं आपका भविष्य बताता हूं और तब आप देखना कि आप इस कर्म सिद्धांत को काट पाते हैं या नहीं काट पाते। उस समय वेदव्यास जी जन्मेजय से कहते हैं, ध्यान से सुनिए, 2 महीने के बाद आपके यहां एक अश्व का व्यापारी आएगा। आप उससे कोई भी अश्व खरीद लेना, लेकिन नीले रंग का अश्व न खरीदना। मैं मानता हूं और मुझे विश्वास है आप उससे नीले रंग का अश्व ही खरीदोगे। अगर खरीद भी लिया तो कभी उस पर आरूढ़ होकर आखेट के लिए मत जाना। अगर आखेट पर चले भी गए तो कभी दक्षिण दिशा की ओर मत जाना, लेकिन आपका प्रारब्ध आपको वहां लेकर जाएगा। अगर आप भूलवश वहां पहुंच भी गए तो मार्ग में जो भी कन्या मिले उसे अपनी पटरानी मत बनाइएगा। अगर पटरानी बना भी लिया तो उसके कहने पर किसी यज्ञ का अनुष्ठान मत कीजिएगा। अगर यज्ञ का अनुष्ठान किया तो युवा ब्राह्मणों को मत बुलाइएगा। मैं जानता हूं मेरे मना करने पर भी आप ऐसा करेंगे। यदि युवा ब्राह्मण आए तो अपनी पटरानी को उन्हें भोजन परोसने मत देना, लेकिन यह होगा, तुम्हें श्राप मिलेगा, शरीर को कुष्ठ रोग होगा और यही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। यही तुम्हारा प्रारब्ध है, राजन, रोक सको तो रोक लो। जैसे ही राजा ने यह सुना तो उसे विश्वास हो गया कि अब मुझे मेरा भविष्य पता है, अब मैं इसे बदल सकता हूं। जैसे ही वेदव्यास जी प्रस्थान किए, उसने तुरंत अपने राज्य के भीतर अश्वों की खरीदारी पर प्रतिबंध लगा दिया और उसने आदेश दे दिया कि अब से कोई भी अश्व का व्यापारी हमारे राज्य में नहीं आएगा। कुछ दिन सब सही चला, लेकिन जो राजकीय सेना थी अश्वों की कमी के कारण अस्त व्यस्त होती नजर आई। मंत्री परिषद ने आकर सारे राज्य के भीतर जो घटना घट रही है उसका विस्तार पूर्वक वर्णन कह सुनाया। कहने लगे, महाराज, अश्व के बिना हम पराजित हैं, हम किसी से युद्ध नहीं कर सकते। यह सुना जन्मेजय ने प्रतिबंध हटा दिया और तब अश्वों के व्यापारी आने लगे। और एक दिन नीले रंग का जब अश्व राजा जन्मेजय ने देखा तो उसकी चुस्ती को देखकर, उसकी सुडोलता को देखकर उन्होंने उसे खरीद लिया। याद था कि मुझे कभी भी आखेट पर इस पर बैठकर नहीं जाना। समय बीता, एक दिन उनका मन आखेट पर जाने को हुआ। उस दिन अश्वशाला में कोई भी अश्व उपलब्ध नहीं था, केवल एक वो नीले रंग का अश्व ही उपलब्ध था। उसी पर बैठकर चले गए। सोचा कि दक्षिण दिशा की ओर नहीं जाऊंगा, पर ऐसा दिशा भ्रम हुआ कि दक्षिण दिशा में ही पहुंच गए। वहां एक सुंदर सी कन्या देखी, उसे पटरानी बना लिया, राजभवन में ले आए, लेकिन इसके कहने पर कोई यज्ञ अनुष्ठान नहीं करूंगा। धीरे धीरे राजा की अपकीर्ति राज्य में फैलने लगी। चारों ओर ये बातें होने लगी कि यज्ञ नहीं होगा तो इस राज्य का संचालन कैसे होगा, ये राज्य फलेगा फूलेगा कैसे, देवताओं की कृपा कैसे बरसेगी। जब यह सुना तो राजा ने यज्ञ का भी आयोजन कर दिया और जब ब्राह्मणों के पास पहुंचे तो आज राज्य में कोई वृद्ध ब्राह्मण नहीं थे, सारे युवा ब्राह्मण थे।
युवा ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया गया और वो जैसे ही आए कई दिनों तक यज्ञ चला। जिस समय उन्हें भोजन करवाया जा रहा था, उस समय पटरानी ने हट किया कि मैं इन्हें भोजन करवाऊंगी। मोह के वशीभूत हुए राजा जनमेजय ने आज्ञा दे दी और जैसे ही पटरानी युवा ब्राह्मणों को भोजन करवा रही थी, हवा चली और उसके वस्त्र तनिक खिसक गए। यह देख युवा ब्राह्मण मुस्कुरा दिए। जैसे ही राजा ने देखा, दांत किटकिटाते हुए जो यज्ञ के जो बर्तन रखे हुए थे उन्हें ही उठाया और ब्राह्मणों को उसी से मार दिया। ब्रह्म हत्या का पाप लगा और कुष्ठ रोग हो गया। धीरे धीरे शरीर गलने लगा और जो भवितव्यता की प्रबलता है, जो कर्म सिद्धांत की प्रबलता है, आज उसके साक्षी स्वयं बने हैं, टाल नहीं पाए। लेकिन दूसरी ओर एक और ये राजा जन्मेजय हैं और दूसरी ओर हमारे समक्ष द्रौपदी का चरित्र है। हां, कर्म उसके समक्ष आया है, उसका प्रारब्ध उसके समक्ष खड़ा है, उसे राज्य सभा में लाया गया है, उसके चीरहरण का आदेश पारित हो चुका है, लेकिन कर्म अपना फल दिखा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण का हस्त था उसके ऊपर, क्योंकि जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की कृपा थी उसके ऊपर। जो कर्मों का पहाड़ है, ये वैसे नहीं टलेगा, ये हमारे पुरुषार्थ से, हमारे प्रयासों से, आप इन कर्मों से, इन कर्मों के जंजाल से, इसके फल से मुक्ति पा जाओ, ये असंभव है। हाँ, इन कर्मों के फल से, इन कर्मों के दुष्प्रभाव से आप मुक्ति पा सकते हो, लेकिन उसका केवल एक उपाय है और वो है सद्गुरु, और कोई उपाय नहीं। केवल सद्गुरु की कृपा से ही, उनके द्वारा प्राप्त ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से ही आप इन कर्मों के फल को निष्फल कर सकते हो। आपने देखा होगा हमारी इस सृष्टि में, हम जहां रहते हैं इस भूलोक पर, गुरुत्वाकर्षण का नियम चलता है। हम कोई भी चीज को हवा में उछालते हैं वो वापस लौट कर आती है। क्यों? गुरुत्वाकर्षण का नियम है। लेकिन अगर किसी वस्तु को एस्केप वेलोसिटी से ऊपर उछाला जाए तो वो वापस धरती की ओर आकर्षित नहीं होती, वो गुरुत्वाकर्षण का नियम भी कट जाता है। इसी तरह जब जीवन में एक परफेक्ट मास्टर आता है, एक पूर्ण सद्गुरु आता है, हमें ब्रह्म ज्ञान देता है, उस ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना से हम अपने कर्मों में ऐसा उछाल देते हैं कि उसका फल हम तक वापस लौट कर नहीं आता। इसे एक अन्य उदाहरण से समझिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट करते हैं, यथाई धांसी समिधो अग्निर्भस्म सात कुरुते अर्जुन, ज्ञान अग्नि ही सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते तथा न ही ज्ञाने न सदृशं पवित्रमिह विद्यते। हे अर्जुन, जो ब्रह्म ज्ञान की अग्नि है, जो तुम्हारे अंतर जगत में प्रकट हो गई है, इस अग्नि के प्रकट होते ही जन्मों जन्मों के जो कर्म संस्कार हैं, वो इसमें जलकर राख हो जाएंगे, स्वाहा हो जाएंगे। ये ब्रह्म ज्ञान ही है जो तुम्हें पवित्र कर सकता है इस आवागमन के चक्र से, इन कर्म संस्कारों से, जो मुक्त कर सकता है केवल ब्रह्म ज्ञान है। समझिए, जिन कर्मों में हम फंसे हैं, जिनके फल में हम फंसे हैं, जिसके सिद्धांत में हम फंसे हैं, इसे केवल ब्रह्म ज्ञान की अग्नि ही खत्म कर सकती है। जैसे बाहर जलने वाली अग्नि हर चीज को जलाकर स्वाहा कर देती है, ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान की अग्नि एक साधक के कर्म संस्कारों को जलाकर खत्म कर देती है। एक बार एक सज्जन श्री महाराज जी के पास आए और आकर प्रश्न करते हैं। वे कहते हैं कि हमने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के मंच से सुना है कि ब्रह्म ज्ञान परम अनिवार्य है, लेकिन मैं पहले से ही गुरु से दीक्षित हूं, मेरे गुरु तो भाग्य बताना जानते हैं। श्री महाराज जी ने सुना, श्री महाराज जी कहते हैं, गुरु केवल भाग्य बताता नहीं है, गुरु तो भाग्य निर्माता हुआ करता है। गुरु ब्रह्म ज्ञान की युक्ति देता है, जिस युक्ति को प्राप्त कर इंसान अपने भाग्य को भी मोड़ सकता है, अपने भाग्य का भी नव निर्माण कर सकता है, गुरु तो ये होते हैं। और सचमुच सज्जनों,
हमने स्वयं अपने जीवन में गुरुदेव की कृपा से इसे स्पष्ट देखा भी है। किस प्रकार उस ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना में बैठकर मन स्वच्छ होता है, किस प्रकार कर्म संस्कार जलने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं। आपके संग एक गुरु भाई का डिवाइन एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। एक गुरु भाई थे जो साधना में बैठे थे, ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना में लीन थे। साधना की गहराइयों में उन्होंने उतर कर देखा। जानते हैं क्या, श्री महाराज जी उन्हें दिखाई दिए। गुरुदेव उनका हाथ पकड़कर उन्हें बड़े सुंदर स्थान पर ले गए। जब वहां पहुंचे, उनकी दृष्टि पहुंची तीन बड़े बड़े पहाड़ों पर, जिसमें से दो पहाड़ों पर आग लगी थी जो जल रहे थे। श्री महाराज जी ने कहा, देख रहे हो, ये तीनों तुम्हारे कर्म संस्कारों के पहाड़ हैं। तुम्हारी ध्यान साधना से ये दो पहाड़ जल चुके हैं। उस भक्त ने कहा, गुरुदेव इस तीसरे पहाड़ का क्या होगा। जैसे ही यह सुना, श्री महाराज जी ने अपनी कृपा दृष्टि डाली और वो तीसरा पहाड़ भी जल गया। यह चमत्कार होता है एक भक्त के जीवन में, जब जीवन में पूर्ण सद्गुरु उतरते हैं, उसके कर्म संस्कारों से उसे मुक्त कर देते हैं, उनके प्रभाव से उसे मुक्ति दिला देते हैं। हाँ, कर्मों के सिद्धांत को टाला नहीं जा सकता, लेकिन जो पूर्ण सद्गुरु की शरण में होते हैं वो उसे निष्प्रभावित कर सकते हैं। ऐसा होता है सद्गुरु का पावन दरबार। आज ऐसे ही जगत गुरु की कृपा हुई है कि द्रौपदी ने अपने जीवन में उस ब्रह्म ज्ञान को पाया है। केवल कृष्ण की सखी नहीं थी, वो तो कृष्ण की शिष्या भी थी, इसलिए अपने जीवन में उस ब्रह्म ज्ञान को पाया था। और आज जो भरी सभा में हुआ, वो ब्रह्म ज्ञान का चमत्कार था जो द्रौपदी के जीवन को संरक्षित कर गया। बांके बिहारी की कृपा थी जिसने द्रौपदी को बचा लिया। हमारे जीवन में भी ऐसे जगत गुरु की आवश्यकता है। सामने बांके बिहारी बैठे हैं, कृष्ण बैठे हैं और द्रौपदी उनके चरणों में बैठी है। उसके हृदय से कुछ भाव फूट रहे हैं और वो कृष्ण के चरणों में, कृष्ण के समक्ष क्या कहती है, आइए श्रवण करते हैं। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे, जीने का
वनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। सगे संबंधी दुनिया वाले इन सब को द्रौपदी देख चुकी है और वो जानती है कि सबसे सगा संबंधी और सच्चा रिश्ता अगर किसी का है तो वो केवल मेरे जगत गुरु का है, केवल मेरे सदगुरु कृष्ण का है। इसलिए आज अपने हृदय के भावों को अपने बांके बिहारी के चरणों में अर्पित कर दिया। कृष्ण सदैव इन पांडवों के संरक्षक बनकर रहे, पग पग पर प्रभु ने उनका मार्गदर्शन किया। आप जानते हैं कि 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का ज्ञातवास भोग कर जब पांडवों ने अपने पैतृक भाग की मांग की तो दुर्योधन ने वह भी देने से इनकार कर दिया और उस समय सुनिश्चित हुआ महाभारत का युद्ध। एक और था धर्म और दूसरी ओर था अधर्म, एक और थे पांडव और दूसरी ओर थे दुष्ट कौरव। पांडवों के पक्ष में थे हमारे कृष्ण और कौरवों के पक्ष में थे सभी अधर्मी राजा। ऐसा विनाशकारी युद्ध उस समय लड़ा गया जिस युद्ध के भीतर रक्त की नदियां बही नदियां। कितने सैनिक थे जो मृत्यु को प्राप्त हो गए, कितने राजा थे जिनका राज्य राजा से विहीन हो गया, लेकिन अंततः पांडवों को विजय श्री मिली और कौरवों का अंत हुआ। भीम ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार दुर्योधन की जंगा पर प्रहार किया है और मृत्यु को प्राप्त हुआ दुर्योधन भूमि पर पड़ा है और क्रंदन कर रहा है। वहां पहुंचता है गुरु द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा। अपने मित्र को इस प्रकार क्रंदन करते हुए देखा, कहने लगे, मित्र क्रंदन मत करो, उन पांडवों से मैं बदला लूंगा। इस रात्रि के अंधकार में मैं उन समस्त पांडवों का अंत कर दूंगा और ये मेरा वचन है तुम्हें। दुर्योधन को वहीं छोड़कर अश्वत्थामा चल दिया रात के अंधेरे में पांडवों को मारने के लिए। लेकिन उससे पूर्व ही कृष्ण पहुंच गए पांडवों के शिविर में। पांडव सो रहे हैं, प्रभु ने सबको उठाया, चलो भ्रमण पर जाना है। जानते हैं पांडवों पर कृष्ण की यह कृपा क्यों हो रही है? क्योंकि वो कृष्ण से कभी प्रश्न नहीं करते किसी भी बात के बारे में, वो समर्पण करते हैं। इतनी रात्रि में कृष्ण भ्रमण के लिए कह रहे हैं, जरूर कोई बात होगी। बिना किसी प्रश्न के कृष्ण आगे जा रहे हैं और पांडव पीछे पीछे चल दिए। भगवान कृष्ण ने जाकर पांडवों के जो पुत्र थे वो भी एक शिविर में सो रहे थे, उन्हें भी जगाने का प्रयास किया, लेकिन वो ये कहते हुए सो गए कि हमें बहुत नींद आ रही है, हमें शिथिलता का अनुभव हो रहा है। पांडवों के संग कृष्ण भ्रमण पर निकल गए। उधर से अश्वत्थामा आया, हाथ में तलवार लिए, धनुष बाण लिए, और जैसे ही आकर उसने पांडव कुमारों को सोते हुए देखा, रात्रि के अंधकार में उसे लगा अवश्य ही 5 पांडव सो रहे हैं। और उसी समय उसने दानव की भांति उन 5 पांडवों पुत्रों का शीश धड़ से अलग कर दिया और सबको मृत्यु के घाट उतार दिया। रात्रि के अंधेरे में उसने एक कार्य किया और भाग खड़ा हुआ। कुछ समय बीता होगा, द्रौपदी का वहां आगमन हुआ और रक्त बहते हुए देखा और अपने पुत्रों के शीश को धरा पर लुढ़कते हुए देखा तो उसके हृदय से चित्कार फूटा, हा देव, हे कृष्ण, कहां हो आप? ये क्या हो गया द्रौपदी के साथ? आकर देखिए प्रभु, देखिए। आप तो कहते थे प्रभु कि जब सारा संसार सो जाता है केवल मैं ही जागता हूं। हे नारायण, अगर आप जाग रहे हैं तो देखिए ना आकर द्रौपदी के पुत्रों की स्थिति क्या है। इधर से द्रौपदी क्रंदन कर रही है और वहां जो कृष्ण भ्रमण कर रहे हैं वहां उन्हें द्रौपदी की पुकार सुनाई दे रही है। उस पुकार को सुनते ही पांडवों से कहा शीघ्र वापस लौटते हैं। जैसे ही वापस लौटे शिविर में, द्रौपदी के क्रंदन से चित्कार से सारा शिविर गूंज रहा था। कृष्ण को देखते ही द्रौपदी ने कहा, माधव, ये क्या हो गया मेरे साथ? माधव, क्या हो गया? मेरे 5 पुत्रों को पशुओं की तरह मार दिया गया है। जैसे ही यह देखा
उसी समय भीमसेन ने कहा, शांत हो जाओ पांचाली, शांत हो जाओ। द्रौपदी ने सुना, कहने लगी, शांत हो जाऊं? जिस माँ के समक्ष उसके पांच पांच पुत्र मृतक पड़े हैं, आप कहते हो शांत हो जाऊं? भरी सभा में मेरा अपमान हुआ लेकिन मैं शांत रही, लेकिन आज मेरे पुत्रों की मृत्यु पर आप मुझे शांत न कीजिए। अर्जुन रोष से भर गया, कहने लगा, द्रौपदी जब तक मैं अपने पुत्रों के हत्यारे का शीश लाकर तुम्हारे कदमों में नहीं फेंक दूंगा, मैं शांत नहीं बैठूंगा। चलिए माधव मेरे संग चलिए। कृष्ण को अपने रथ में बिठाया, उन्हें अपना सारथी बनाया और अर्जुन रथ पर आरूढ़ हुआ और चल दिया अपने पुत्रों के हत्यारे को ढूंढने। वो जानते थे ये कोई और नहीं, ये अश्वत्थामा है। इससे पूर्व अर्जुन उसे पकड़ता, उसने देख लिया कि अर्जुन आ रहा है। घबरा कर उसने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया और जैसे ही ब्रह्मास्त्र का संधान किया, चारों ओर उजाला सा हो गया, अग्नि की लपटें सी उठने लगी, रथ रुक गया अर्जुन का। अर्जुन ने कहा, ये क्या है प्रभु, ये क्या है? कृष्ण ने कहा, अर्जुन घबरा कर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है, लेकिन मोड़ बुद्धि इस ब्रह्मास्त्र को लौटाना नहीं जानता। अर्जुन ने कहा, माधव मैं क्या करूं? कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। अर्जुन ने उसी समय अपना गांडी उठाया और ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र की जब टक्कर हुई तो ऐसी अग्नि प्रकट हुई कि संपूर्ण प्रजा त्राही त्राही कर उठी, पेड़ जलने लगे, चारों ओर अग्नि फैलने लगी। कृष्ण ने कहा, अर्जुन ब्रह्मास्त्र लौटा लो। दोनों ब्रह्मास्त्र अर्जुन ने लौटा लिए, अग्नि शांत हो गई और दौड़कर अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया, पाशों से बांध कर खींच कर लाकर शिविर में द्रौपदी के सामने फेंक दिया। अभी तक जो अपने पुत्रों की मृत्यु पर क्रंदन कर रही है, रोष से भरी है, जब पाशों से बंधे हुए ब्राह्मण कुमार को देखा, कहने लगी, स्वामी छोड़ दीजिए इसे, छोड़ दीजिए इसे, मुक्त कर दीजिए इसे, ये ब्राह्मण का पुत्र है, ब्राह्मण का पुत्र, ये अपने संस्कार भूल सकता है, ये अपनी संस्कृति भूल सकता है, लेकिन मैं अपने संस्कारों को कैसे भूलूं? इसे पाश से मुक्त कर दीजिए। भीमसेन ने कहा, द्रौपदी तुम ही तो कह रही थी कि इसी समय तुम्हारे पुत्रों के हत्यारे को पकड़ कर लाओ, और आज जब वो तुम्हारे समक्ष है और तुम उसे जीवन दान दे रही हो। द्रौपदी का हृदय देखिएगा कितना बड़ा है। द्रौपदी कहती है, स्वामी एक माँ के हृदय की पीड़ा को मैं जानती हूँ, पुत्र विहीन एक माँ की स्थिति क्या होती है मैं समझ रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि माँ अपने पुत्र की विरह की इस पीड़ा को सहे, इसलिए मैं इसे जीवन दान देती हूँ, इसे मुक्त कर दीजिए। भीमसेन कह रहा है मार दीजिए, युधिष्ठिर कह रहा है मुक्त कर दो। अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखा, कहने लगे, माधव मैं क्या करूं, मेरे लिए तो बड़ी द्वंद्व की स्थिति है, मैं किसकी किसका कहना मानूं? कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मैंने शास्त्रों में दोनों बातें कही हैं, आतताई का वध कर देना चाहिए और ब्राह्मण को कभी भी क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए, कुछ ऐसा करो कि मेरे शास्त्रों के दोनों वचन सिद्ध हो जाएं। अर्जुन के समक्ष असमंजस की स्थिति थी, द्वंद्व की स्थिति थी, नेत्र मूंद लिए और ब्रह्म ज्ञान से जुड़ गया और विवेक से जुड़कर उसने क्या किया, नेत्र खोले और नेत्र खोलकर अश्वत्थामा के यहां मस्तक पर जो मणि थी उस मणि को निकाल दिया और उसे शिविर से बाहर फेंक दिया। ब्राह्मण का अपमान उसकी मृत्यु के समान होता है, इस प्रकार अपमानित अश्वत्थामा की मृत्यु भी हुई और उसे जीवन भी मिला। अर्जुन अपने द्वंद्व की इस स्थिति से बच गया। अश्वत्थामा इससे भी नहीं माना और उसने प्रतिशोध लेते हुए उत्तरा के गर्भ पर फिर ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा के गर्भ में जो शिशु पल रहा था वो अभिमन्यु की संतान थी। उसकी रक्षा करने के लिए स्वयं हमारे भगवान श्री कृष्ण फिर गए और उन्होंने उस मृतक बालक को फिर से जीवन दान दिया। अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इस बार श्राप मिला। भगवान कृष्ण ने कहा, मोड़ बुद्धि, अब तो तूने अपने सारे अत्याचारों की सीमाएं लांघ दी हैं,
आज तूने एक नारी के गर्भ में पल रहे शिशु को मारना चाहा? जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, 5000 वर्षों तक तू इस धरती पर भटकता रहेगा और तेरे इस स्थान पर से मवाद और रक्त बहता रहेगा। तुझे अपने हर कर्म की सजा मिलेगी, तुझे हमेशा अपनी भूल का ज्ञान रहेगा। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। अश्वत्थामा ने ऐसी भूल की कि उसे कृष्ण से श्राप मिल गया। पांडव अपने कृष्ण के द्वारा संरक्षित होने पर, अपने कृष्ण के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करने पर धर्म की विजय श्री हुई है। द्रौपदी अपने दुख से बाहर आई है और धर्म से जुड़कर महाराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा का पालन करने लगे हैं। जिस समय भगवान श्री कृष्ण स्वधाम गमन कर जाते हैं, यह सूचना मिलते ही पांचों पांडव और द्रौपदी स्वर्गारोहण कर जाते हैं। उन्हें लगता है प्रभु से विहीन अब इस भूलोक पर रहने का कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। यहीं द्रौपदी की गाथा संपन्न होती है। वो द्रौपदी जिसके बारे में मैंने इस जगत में, इस संसार में ये उक्ति सुनी है कि द्रौपदी के कारण ही महाभारत का युद्ध रचा गया। द्रौपदी के कारण ही महाभारत जैसा महासंग्राम हुआ। लेकिन सज्जनों, क्या ये बात सत्य है? जिस घटना को आपने अभी अभी सुना, क्या इसे सुनने के बाद आप ये बात पर विश्वास करेंगे? बड़ी ही प्रसिद्ध उक्ति है, रिपीट अ लाई 1000 times एंड इट बिकम्स द ट्रुथ, कि बार बार बोला गया झूठ भी एक दिन सत्य लगने लगता है। यही उक्ति द्रौपदी के जीवन में भी घटित होती है। लोगों को ज्ञान नहीं, लोगों ने पढ़ा नहीं धार्मिक ग्रंथों में से, बस एक झूठ को उन्होंने सामने रख दिया कि द्रौपदी के कारण ही ये महाभारत का संग्राम हुआ है। द्रौपदी ने ही दुर्योधन से कहा था पानी में गिरते समय अंधे का पुत्र अंधा, बस इसी का प्रतिशोध लेने के लिए महाभारत हुआ। लेकिन क्षमा चाहेंगे, हमारे शास्त्र ग्रंथों में ऐसी बात नहीं लिखी, क्योंकि द्रौपदी ने ऐसी बात कही ही नहीं। द्रौपदी जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण की शिष्या थी, धर्म से युक्त थी, धर्म से जुड़ी हुई थी, एक साधिका थी। और जो भगवान का भक्त होता है, एक सच्चा साधक होता है सज्जनों, उसके अंदर प्रतिशोध की भावना नहीं होती, उसका तो हृदय विशाल होता है, वो तो दया से भरा होता है, उसका चरित्र तो उदार होता है, वो तो क्षमा करना जानता है। जैसे अभी आपने प्रसंग में सुना, द्रौपदी ने अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी, स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हो प्रभु परमार्थ नाही। अगर इस संसार में कोई परमार्थ कर सकता है, कोई क्षमा कर सकता है, कोई दया दिखा सकता है, किसी का हृदय अगर विशाल है तो वह केवल मात्र एक भक्त का हुआ करता है। ऐसा ही विशाल हृदय है द्रौपदी का, उदार चरित्र की स्वामिनी है द्रौपदी। और आप कहते हैं कि उसके कारण महाभारत का युद्ध संपन्न हुआ, ये गलत है। जानते हैं, जन्म से ही एक शिशु के अंदर जो गुण आते हैं, संस्कार आते हैं, वो अधिकांशतः अपने माता पिता की प्रतिछाया हुआ करते हैं। जैसे मीठे फल का जो बीज होता है, उससे जो वृक्ष बनता है, उसके फल भी मीठे हुआ करते हैं, ऐसे हमारे जो आध्यात्मिक महापुरुष हैं, जो ऋषि महर्षि हैं, वे कहते हैं कि जो जीवात्मा है उसके अंदर भी परमात्मा के अंश, परमात्मा के गुण विद्यमान होते हैं। रामचरितमानस कहती है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीवात्मा यानी आप और हम सब, हम सबको बनाने वाला वो भगवान है, और उसने अपने विशेष गुण हम में रोपित कर दिए, हम में डाल दिए और हमारा निर्माण किया। लेकिन अगर समाज की ओर देखें, तो आज वो भगवान के जो विशेष गुण हैं, उससे रहित एक इंसान का जीवन दिखाई देता है।
ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। पहला गुण है चेतन। लेकिन आज के इंसान को देखा जाए तो वो तो जड़ हो चुका है, संवेदनहीन हो चुका है। उसे दूसरों की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं, उसे दूसरों के दुखों से कोई लेना देना नहीं। किसी ने बहुत सुंदर कहा, कहते हैं कि स्टैचू स्टैचू खेलते खेलते हमें पता ही नहीं चला कि हम कब पत्थर के बन गए। खेलते हैं ना बच्चे स्टैचू, स्टैचू कर देने के बाद वो व्यक्ति हिल नहीं पाता। ये खेल खेलते खेलते हम कब पत्थर के बन गए हमें पता ही नहीं चला। ना हमारे भीतर में प्रेम है, ना दया है, ना क्षमा है, हम तो जड़ हो गए हैं, संवेदनहीन हो गए हैं। सच मानिए, हमसे अच्छे पशु हैं। 1964 में मनोवैज्ञानिकों ने एक अनुसंधान किया। कैसा? एक व्यवस्था की गई, जिस व्यवस्था में जंजीर के खींचने पर बंदर को खाना मिलता था, लेकिन इधर जंजीर खींचती और दूसरी ओर दूसरे बंदर को इलेक्ट्रिक शॉक मिलता। अब जिस बंदर को खाना चाहिए था ये उस पर निर्णय था, या तो वो खाना ले ले या अपने दूसरे साथी को विद्युत के झटके खाने दे, या वो भूखा रह जाए उसे सुरक्षित कर ले, उसका निर्णय था। जब ये प्रयोग हुआ तो जानते हैं रिजल्ट क्या आया? अधिकतर बंदरों ने भूखे रहना स्वीकार किया, अपने साथी को कष्ट पहुंचाना स्वीकार नहीं किया। इंद्रियों के जो सुख थे उसे उन्होंने तिलांजलि दे दी, लेकिन जो परहित की भावना थी उसे ऊंचा रखा। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या हमारे हृदय के भीतर जन जन के हित की कामना निहित है? नहीं, हम तो संवेदनहीन हो चुके हैं, जबकि भगवान ने हमें चेतन बनाया, हमें संवेदना से युक्त बनाया, ताकि दूसरों की पीड़ा को देखकर हमारे हृदय में भी पीड़ा उत्पन्न हो जाए, दूसरे के दुख को देखकर हमारी आंखें छल चला जाएं। हमें ऐसा मानव प्रभु ने बनाया। विवेकानंद जी के जीवन की घटना आती है, जिस समय गुरु के मार्गदर्शन पर चले, गुरुदेव की पत्नी के पास पहुंचे और उनसे आशीर्वाद लेने लगे कि मुझे आज्ञा दीजिए मैं धर्म प्रचार का कार्य कर पाऊं। जैसे ही गुरु मां ने सुना, उन्होंने विवेकानंद से कहा, जाओ वो चाकू लेकर आओ। चाकू लेकर आए, जो चाकू की धार थी उन्होंने खुद पकड़ी और जो उसका हत्था था वो मां की ओर बढ़ा दिया। गुरु मां ने कहा, जाओ अब तुम धर्म प्रचार के लिए तैयार हो, मेरा आशीर्वाद है। विवेकानंद जी ने कहा, मैंने एक चाकू ही तो पकड़ाया है और इस चाकू को पकड़ाने मात्र से आप ये मान गए कि मैं धर्म प्रचार का कार्य कर सकता हूं। उस समय गुरु मां ने कहा, विवेकानंद जिस चाकू को तूने मुझे पकड़ाया है उसका जो धार थी तूने खुद पकड़ी और हत्था मुझे पकड़ा दिया, यानी ये इंगित करता है कि तू दूसरों को दुख नहीं पहुंचाएगा, दुख स्वयं अपने ऊपर लेगा। तेरे भीतर दूसरों के दुखों को समझने की शक्ति पैदा हो चुकी है, इसलिए अब तू तैयार है धर्म कार्य के लिए, भक्त बनने के लिए। ऐसा होता है एक भक्त का जीवन, वो दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाता, वो दूसरों को दुख नहीं देता, उसके हृदय से तो यही भाव उठता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। हे प्रभु, सारा संसार सुखी हो, हर कोई निरोगी बने, प्रभु ऐसी कृपा कीजिए, ऐसी कृपा कीजिए। ऐसा होता है मानव का गुण, लेकिन आज मानव इस गुण से रहित है। दूसरा गुण है अमल, यानी मल से रहित, दुर्व्यसनों से रहित। लेकिन जरा एक बार समाज की स्थिति की ओर देखिए तो सही। बहुत सुंदर किसी ने कहा कि सतयुग में अच्छाई और बुराई दो अलग अलग लोकों में रहती थी, एक रहती थी देवलोक में, एक रहती थी असुर लोक में। लेकिन युग बीता और जैसे ही त्रेता युग आया,
अच्छाई और बुराई एक ही धरा पर आ गई, लेकिन दो अलग अलग राज्यों में, दो अलग अलग देशों में, क्योंकि एक में थे राम और दूसरे में थे रावण। युग बीता, द्वापर युग आया, अच्छाई और बुराई अब एक परिवार में ही आ गई, कौरव और पांडवों के रूप में। युग बीता और कलयुग आ गया, अब अच्छाई और बुराई एक इंसान में ही आ गई है, दोनों उसके अंदर है, अच्छाई भी है बुराई भी है, कौरव भी हैं पांडव भी हैं, दानवीय वृत्तियां भी हैं और दैवीय वृत्तियां भी हैं। लेकिन एक बार अपने अंदर झांक कर देखिए, एक बार इस समाज की ओर देखिए, तो आपको दिखाई देगा कि आज के इंसान का जीवन मल से युक्त हो गया है, व्यसनों में जकड़ा हुआ है। शराब पीना, ई हुक्का पीना, पोर्नोग्राफी, इन सब के अंदर इंसान इतना जकड़ा हुआ है कि उसे अपने जीवन का उद्देश्य ही ज्ञात नहीं। अफसोस होता है, हमने देखा, हमने सुना, हमने पढ़ा किस प्रकार पांडवों से एक भूल हुई और द्यूत क्रीड़ा उन्होंने खेली, और उनका जीवन आप जानते हैं कैसे कष्टों से घिरा रहा, जबकि उनके जीवन में कृष्ण थे। हमारे जीवन में तो भगवान ही नहीं है, सोचिए हमें इन सब का कितना दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। अफसोस है, इन कहानियों को केवल मात्र हमने सुना है, कभी इसको अपने जीवन में अप्लाई नहीं किया है। हम इतिहास से अच्छी बातें सीख ही नहीं पाए, हमने वो सीखा जो हमारा मन चाहा। एक बार एक पंडित जी एक सेठ और सेठानी को कृष्ण की कथाएं सुना रहे थे। कथा सुनाते सुनाते बहुत दिन बीत गए। पंडित जी ने सोचा जरा पूछूं तो सही, कौन सी बात समझ आई है। उन्होंने सेठ जी से पूछा, पहले जरा बताइए आपको सबसे प्रेरणादायक बात क्या लगी। सेठ जी ने कहा, मुझे बड़ा सुंदर लगा जब आपने वो प्रसंग सुनाया जब भगवान शांति दूत बनकर गए। पंडित जी बड़े प्रसन्न हो गए, चलो अच्छी बात है। कहने लगे, अच्छा आपको उसमें क्या बात अच्छी लगी। सेठ जी ने कहा, जब भगवान शांति दूत बनकर गए, जो दुर्योधन ने बात कही वो एकदम खरी बात थी, सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, मैंने तो निर्णय कर लिया है, अब किसी को एक पाई अपने घर से नहीं दूंगा, अब मेरा भी निश्चय पक्का हो गया है। पंडित जी हैरान, बताओ इसने सीखा भी तो किससे, दुर्योधन से। सेठानी जी की ओर देखा, बड़ी आशा थी। कहने लगे, सेठानी जी आपने क्या सीखा। सेठानी कहने लगी, मैंने तो भगवान श्री कृष्ण से सीखा है। पंडित जी को बहुत अच्छा लगा, चलो किसी ने तो अच्छी बात सीखी है, अच्छा क्या सीखा आपने। सेठानी जी ने कहा, वो भगवान कृष्ण कहते नहीं है अर्जुन से कि तू वो भी कर, सुमिरन भी कर और युद्ध भी कर। पंडित जी ने कहा, हाँ हाँ सही सुना आपने, यही समझाया था मैंने। सेठानी जी कहने लगी, बस मुझे तो फायदा हो गया है, रोज एक घंटा प्रभु का नाम जाप करती थी लेकिन कुछ कह नहीं पाती थी, मुंह से मौन रहती थी, बहु रानी इतने में बड़ी मनमानियां कर लेती थी, अब मुझे समझ आ गया है, एक हाथ से माला फेरूंगी और दूसरी ओर मुख से अपने जो बाण है, शब्द बाण है, वो अपनी बहु पर भी चलाती रहूंगी, मेरे दोनों कार्य सिद्ध हो जाएंगे, मुझे बात समझ में आ गई। पंडित जी ने सिर पर हाथ दे के मारा कि इन्होंने सीखा भी तो क्या सीखा। हम भी ऐसे ही हैं, इतिहास की इतनी गरिमामयी कहानियों में से, इतनी दिव्य कहानियों में से हम मार्गदर्शन पा सकते थे, लेकिन हमने सीखा क्या। जिन दुर्व्यसनों में जकड़े हुए दुर्योधन का ऐसा अंत हुआ, हमने उसके अंत से भी नहीं सीखा। पांडवों की एक भूल के कारण संपूर्ण जीवन कष्टों का सामना करना पड़ा, हमने उनसे भी नहीं सीखा। और हमारा जीवन मल से युक्त हो गया, जबकि भगवान ने तो हमें अमल बनाया था, हमें उन्होंने पवित्र भेजा था ताकि हम इस पवित्र हृदय में उस भगवान को स्थान दे पाए। हमने इस हृदय को अपवित्र कर लिया, सोचो हमारे प्रभु कहां बैठेंगे जब हमारा हृदय ही अपवित्र होगा। तीसरी बात करते हैं, चेतन अमल सहज सुख राशि। सुख राशि यानी जो सुखों की खान है, सहज है,
लेकिन एक बार इंसान के चेहरे की ओर देखिए, सारा दिन क्रोध से भरा नजर आता है, या फिर स्ट्रेस में नजर आता है, डिप्रेशन में नजर आता है। एक बार एक व्यक्ति अरस्तु के पास आया, कहने लगा कि मैं अपने क्रोधी स्वभाव से बड़ा पीड़ित हूं और इसके कारण बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। अरस्तु ने कहा, अच्छा दिखाइए आपका क्रोध कहाँ है। उस व्यक्ति ने कहा, क्रोध ऐसे थोड़े ना आता है, वो तो कभी भी आ धमकता है, पता ही नहीं चलता। अरस्तु ने कहा कि जो आ धमकता है वो आपका स्वभाव नहीं हो सकता, वो तो आप जब सावधान नहीं होते, सतर्क नहीं होते, तब वो आपके जीवन पर आक्रमण करता है, वो आपका स्वभाव नहीं है। किसी ने बहुत सुंदर कहा, मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। हम मुसाफिर हैं, हमें ही इंगित किया है कि जागना, सतर्क रहना, सावधान रहना, नगर में चोर आते हैं। इस हृदय में चोर आ सकते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, जो नजरें गड़ाए बैठे हैं कि कब हम असावधानी दिखाएं और ये हमारे जीवन में आ जाएं, ये हमारी नगरी में आ जाएं। आपने कैक्टस के पौधे के बारे में तो सुना होगा, सुना है, देखा भी होगा। जरा एक बार अपनी दोनों आंखों को बंद कीजिए और हमारे साथ तीन बार कैक्टस कैक्टस दोहराइए। आइए आंखें बंद करते हैं। कैक्टस कैक्टस कैक्टस, नेत्र खोलिए। क्या दिखाई दिया, कैसा महसूस हुआ? क्या हरे हरे पत्ते दिखाई दिए, फूल दिखाई दिए? क्या ठंडक महसूस हुई? नहीं, वो कांटेदार जो कैक्टस का पौधा होता है वो नजर आ रहा था और चुभन महसूस हो रही थी। जानते हो, हमारे वैज्ञानिकों ने एक बार एक शोध किया इन कैक्टस के पौधों पर। उन्होंने 30 पौधे लिए और उन्हें एक नर्सरी में रखा, उपयुक्त तो वातावरण दिया, खाद, पानी, सूर्य की रोशनी सब दिया। लेकिन उन्होंने क्या किया, रोज उन पौधों के पास जाते, उनसे अच्छी अच्छी बातें करते, उनसे प्रेम की बातें करते और उन्हें जानते हैं क्या कहते हैं, हम ना तुम्हें छूना चाहते हैं लेकिन छू नहीं पाते क्योंकि तुम में कांटे हैं। धीरे धीरे ये शोध आगे बढ़ा और हैरान कर देने वाला रिजल्ट आया। वो जो कैक्टस के ऊपर कांटे थे वो धीरे धीरे सूख कर झड़ने लगे। एक ऐसी प्रजाति बन गई जिसे वैज्ञानिकों को, जिस पर विश्वास नहीं हुआ, क्या ये कैक्टस का पौधा है। थोड़े दिन और बीते, परीक्षण आगे चला, थोड़े दिन और बीते और फिर से उस पर कांटे आ गए। वैज्ञानिक बड़े हैरान थे, ये क्या हुआ। उन्होंने थोड़ी खोजबीन की तो ज्ञात हुआ, रात्रि में एक बिल्ली आती है जो बड़ी बड़ी आंखें कर इन्हें घूरती है और इनको काटने का प्रयास करती है। बिल्ली को पकड़ लिया गया, फिर से पहली जैसी प्रक्रिया आरंभ की गई, अच्छी अच्छी बातें की गई, अच्छे अच्छे विचार दिए गए और फिर से वही चमत्कार हुआ, कांटे झड़कर गिर गए, एक हरियल सा पौधा सामने आ गया। ये शोध हमें कुछ समझा रहा है, जिन कांटों को कैक्टस के पौधे ने धारण किया है वो इसलिए किया है ताकि जीव जंतु उसे अपना आहार ना बनाए, उसे नष्ट ना कर दे, इसलिए उसने ढाल के रूप में कांटों को धारण किया है। सज्जनों, यही स्थिति आज के समाज की है। इंसान ने अपने आसपास कांटे बोलिए हैं, क्रोध का कांटा, नकारात्मकता का कांटा। क्यों बोए? क्योंकि उसे भय है कि कोई उसे नीचे गिराकर आगे ना बढ़ जाए, कोई उसे नष्ट ना कर दे, कोई उसे पीछे ना छोड़ दे, कोई उसके जीवन को बर्बाद ना कर दे, इसलिए उसने अपने आसपास कितने कांटे बोलिए। लेकिन ध्यान दीजिए, इन कांटों से हमारा जीवन बदरूप हो गया है, बदरूप हो गया है हमारा जीवन, हमारे मन की शांति भी नष्ट हो गई है। तो क्यों ना कैक्टस के पौधे जैसा कुछ करके देखें। जिस तरह कैक्टस के पौधे ने अपने कांटों को छोड़ दिया, क्यों ना हम भी अपने कांटों को छोड़ दें, सहज बन जाएं, सुखी हो जाएं,
मुख पर मुस्कान आ जाए, हृदय में क्षमा और दया जैसा गुण आ जाए और हम एक दूसरे को यह आश्वस्त कर दें कि तू मेरा है और मैं तेरा हूं। हम सब परमात्मा की संतान हैं, सब उसके अंश हैं, वो परम पिता है और हम सब एक हैं, क्यों ना एक दूसरे को ऐसा प्रेम दे दिया जाए, तो फिर हमें किसी को भी कांटों की जरूरत नहीं पड़ेगी। उससे हमारा अपना जीवन ही नहीं, हम सब का जीवन अच्छा हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। आज ये समाज रहने योग्य नहीं है और इसका दोषी कोई और नहीं, स्वयं मानव है। मानव के भीतर पनप रही वो जो दानवीय वृत्तियां है ना, वही है। दैवीय वृत्तियां सुषुप्त पड़ी हैं। कह सकती हूं कि पांडव अभी सुषुप्त हैं और जो कौरवी शक्तियां हैं उन्होंने प्रपंच फैलाया हुआ है, अधर्म फैलाया हुआ है। जिस प्रकार द्वापर युग में जगत गुरु के कृपा आशीष से पांडवों की शक्तियों को जागृत किया गया, उन्हें धर्म युद्ध में खड़ा किया गया और कौरवों का विनाश किया गया, आज एक बार पुनः प्रभु से प्रार्थना है कि हे प्रभु, अवतार लीजिए मानव के हृदय में और उसकी जो दैवीय शक्तियां सुषुप्त पड़ी हैं प्रभु, उन्हें जगा दीजिए ताकि वे जाग कर इन दानवीय वृत्तियों का अंत करें, उसका जीवन सुंदर बने और उसके जीवन के उपरांत समाज भी सुंदर बने, रहने योग्य बने। इसलिए हे प्रभु, मानव के हृदय में अवतार लीजिए, मानव के हृदय में अवतार लीजिए। आइए कुछ ऐसे ही सुंदर से भजन को श्रवण करते हैं। प्रपंच जारी आज भी, पांडव शक्ति जाने क्यों सो रहे, और वो का प्रपंच जारी आज भी, पांडव शक्ति जाने क्यों सो रही। अभी है गतिशील कौर विदुष्टता, पार्थ वृत्ति हो रही।
शांति करने सबकी आइए। मानव में परिवर्तन की क्रांति लाइए। ज्वाल से है अधर्म के झुलसे भरा, कई आपके अवतरण की आ रही। ज्वाल से है अधर्म के झुलसे भरा, प्रभु अवतार लें। मानव के हृदय में यही कामना है कि पांडवीय शक्ति जागृत हो और जो दुष्टता है, जो अधर्मता है, उसका अंत हो और शीघ्र ही मानव का जीवन धर्म के पथ पर अग्रसर हो। जहां रामचरित मानस में यह उक्ति आई, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, आगे कहते हैं, सो माया बस भयो गोसाई, बंदेओ कीट मरकट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथी परि गई, जदपि मृषा छूटत कठिनाई। एक ऐसी गांठ फंस गई है जिसके कारण जो चेतन था वो आज जड़ बन चुका है। ये गांठ कैसे टूटेगी, जो अंश है वो अपने अंशी में कैसे मिलेगा, इसका उत्तर आगे चलकर रामचरित मानस ही देती है। तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, और गृह बैठी ग्रंथि निरुवारा। जब मानव वापिस अपने घर में लौटेगा, अपने अंतर घट में जाएगा, आत्मिक रूप से जागृत होगा, अपनी पहचान को पाएगा, तब उसे समझ में आएगा मेरे गुण क्या हैं, मेरी विशेषताएं क्या हैं, मैं किसकी संतान हूं, मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, तब उसे इन सब बातों का भान होगा। आओ चलते हैं अपने घर को वापस, उतर जाते हैं अपने अंतर घट में, खत्म कर देते हैं अपनी कौरवी वृत्तियों को, खत्म कर देते हैं अपने मन के सभी विकारों को, बना लेते हैं अपने आप को एक सुंदर मानव, एक ऐसा मानव जिसकी रचना भगवान ने की है। आओ अपने आप को भगवान के योग्य बनाएं, सद्गुरु के चरणों में जाकर उनका संरक्षण प्राप्त करें, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करें, जिसके द्वारा हम कर्म संस्कारों के जाल से मुक्त हो पाएं। इसी लोक में अपने आप के लिए ऐसा प्रयास करें ताकि हमारा परलोक भी सुधर पाए, हमारा आवागमन का चक्र भी टूट पाए। आओ पुनः अपने अंशी जैसे गुण अपने भीतर उतार लें, एक सुंदर मानव बनकर धर्म से जुड़कर, जिनके अंदर धैर्य क्षमा सहनशीलता जैसे गुण हो, ऐसा मानव बनकर आओ समाज में उतरें। यही कृष्ण कथा आपको समझाने आई है और यही बनाने आई है। एक श्रेष्ठ भक्त, धर्म के मार्ग पर चलने वाला एक धर्म पथिक, भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त, एक ऐसा व्यक्तित्व जो समाज के उत्थान के लिए कार्यरत हो, एक ऐसा मानव जिसके भीतर मानवीय गुण विद्यमान हो, ये कथा आपको ऐसा बनाने आई है। इसी आशा के साथ कि आप इतिहास से अच्छी शिक्षा लेंगे, ना केवल सीखेंगे, जीवन में उतारेंगे और कदम आगे बढ़ाकर जो द्रौपदी, जो पांडवों के जीवन में था, आप भी उसे प्राप्त करेंगे। क्योंकि जो ब्रह्म ज्ञान जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में बांटा, आज कलयुग में हमारे आराध्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी बांट रहे हैं। आओ उनके श्री चरणों में आकर, इस पावन दरबार में आकर उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करो और मानवीय गुणों से युक्त हो जाओ। इसी कामना के साथ आइए जय घोष लगाते हैं। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय।
कृष्ण बलदेव की जय, सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय, उमापति महादेव की जय, गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की साचे दरबार की जय, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। धन्यवाद। तो बोलिए जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की, सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय, सांचे दरबार की जय। बहुत ही श्रेष्ठ प्रेरणादायक विचारों को हम कथा व्यास जी के माध्यम से ग्रहण कर रहे थे। तो आइए भक्तजनों, अब समय हो गया है प्रभु की पावन पुनीत आरती का। आप सभी से जो इस कथा के यजमान हैं, मुख्य यजमान एवं आज के दैनिक यजमान, आप सभी से हम आग्रह करते हैं कि आपने अपने घरों में जो प्रभु का पावन दरबार सजाया है उसके समक्ष आप खड़े हो जाएं, प्रभु की आरती की थाल को हाथों में थाम लें और यहाँ इस मंच से प्रभु की पावन आरती का गायन होगा, आप उसी के साथ आरती में सम्मिलित हो सकते हैं। और इस कथा के जो मुख्य यजमान हैं वे हैं श्री ईश्वर गोयल जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मंजू गोयल जी पश्चिम विहार दिल्ली से, श्री पूरन मल सोनी जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुशीला देवी जी नवदीप ज्वेलर्स रेवाड़ी हरियाणा से, श्री राकेश गोयल जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सोनाली गोयल जी सेक्टर 9 रोहिणी दिल्ली से, श्री मोहन सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सीमा सिंह जी विकासपुरी दिल्ली से, श्री सतीश टोंगर जी और उनकी धर्मपत्नी मुकेश टोंगर जी भिवाड़ी राजस्थान से, श्रीमती प्रवीण जी गणेश नगर दिल्ली से, श्री महेंद्र पाल गौतम जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सरोज गौतम जी गुरुग्राम हरियाणा से, श्री आनंद कुमार जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अंजना जी हिसार हरियाणा से, श्री दिनेश गंगवार जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अमनजोत कौर जी गुरुग्राम हरियाणा से, मारवाहा परिवार मायापुरी दिल्ली से, श्री दिनेश वशिष्ठ जी और उनकी धर्मपत्नी रजनीगंधा वशिष्ठ जी गुरुग्राम हरियाणा से, श्री अक्षत चौहान जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नेहा चौहान जी ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से, स्वर्गीय श्री चंद्रपाल शहरावत जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता शहरावत जी गुरुग्राम हरियाणा से, श्री मामचंद मधोलिया जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती बलवंत कौर जी गुरुग्राम हरियाणा से। और आज की कथा के दैनिक यजमान श्री बलदेव सैनी जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती माया रानी जी गुरुग्राम हरियाणा से, श्री राजेश मल्होत्रा जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अंजू मल्होत्रा जी जनकपुरी दिल्ली से, श्रीमती सविता यादव जी समयपुर बादली दिल्ली से, सूद परिवार जनकपुरी दिल्ली से, श्री राम अवतार यादव जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संतोष यादव जी गुरुग्राम हरियाणा से, श्री राजदेव सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती दुर्गावती देवी जी कोटला दिल्ली से, श्री राम निवास शर्मा जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सूरजमुखी देवी जी विष्णु गार्डन दिल्ली से। तो आइए अब प्रभु की पावन पुनीत आरती का शुभारंभ करते हैं। आग्रह करते हैं मंच पर उपस्थित गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य एवं शिष्याओं से कि वे प्रभु की पावन पुनीत आरती का गायन करें। तो बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय, सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय, सांचे दरबार की जय। हरि ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे भर पावे दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हरि ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन
और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम रक्षा करता, मैं मूरख खलकामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो धरता। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति, किस विधि मिलहु दया मैं, किस विधि मिलहु दया मैं, तुमको मैं कुमती। हरि ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरिता ठाकुर तुम मेरे स्वामी, रक्षक प्रभु मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। हरि ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। हरि ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन जो कुछ है, सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। हरि ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, बड़े प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। हरि ओम जय जगदीश हरे। हरि ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसी वाला दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। हरि ओम जय जगदीश हरे। हरि ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे अहं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा, त्वमेव त्वमेव विद्यारण्यं, त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरार्तिक्यं समर्पयामि, आरार्तिक्यान्ते जलं समर्पयामि। सर्वे यजमानाः हस्ते अक्षतपुष्पाणि आदाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिं कुर्युः। अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलि।
ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास् तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहना कं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॐ तदपुरुखाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् ॐ तदपुरुखाय विद्महे आशुतोषाय धीमहि तन्नो ज्ञानं प्रचोदयात् शेवन्तिका वकुल चम्पक पाटलाब्जे पुण्या गजादि करवीरसाल पुष्पे बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद पुष्पांजलिं समर्पयामि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् सबका भला करो भगवान् सबका सब विधि हो कल्याण सबका भला करो भगवान् सबका सब विधि हो कल्याण सबका भला करो भगवान् सबका सब विधि हो कल्याण सबका सब विधि हो कल्याण सबका सब विधि हो कल्याण बोलिए द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय आदि शक्ति माँ जगदम्बा भवानी की जय सच्चे दरबार की जय गौ माता की जय भारत माता की जय धरती माता की जय धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो सत्य सनातन धर्म की जय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय सच्चे दरबार की जय जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण ओम शांति ही शांति ही शांति ही ओम बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे बनवारी दुनिया वालों से क्या
दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं हर चिंता मिट जाए। जीवन मेरा इन चरणों में आस की जोत जगाए, हो मेरी बाह पकड़ लो श्याम रे बनवा। दुनिया वालों से क्या।